गुजर ही कहती, इसलिए जो गुजर है ना तो सब गोपी बन सके, और जो जादव है ये कौन है, कृष्ण के। ये जादव लोग कौन है, ये कृष्ण के। कृष्ण जादव वंश में ना, जद्दू वंश में कृष्णा है। इसलिए तुम लोग बड़े भाग्यवान जो कि गुजर और जादव वंश में तुम लोग जन्म लिए हो, हैं कृष्ण की वंश के धरोहर हो। इसलिए भगवान कृष्ण के निया को, हैं श्री कृष्ण को, वाक्य बिहारी जी को, सबको सम्मान करो, सबको सम्मान, असम्मान किसको नहीं करनी चाहिए, सबको सम्मान करो। लेकिन अपना जो दिल में है ना, वो बांके बिहारी को केवल दिल में ही केवल श्री बांके बिहारी को बैठाओ। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए ब्रह्मा जी कहते बोले हे प्रभु, जीवन में तुम्हारी जो कुछ आता है, बोले तत्व अनुकंपा सुसुमित समान भुंजा में एवात्म कृतम विपाकम। ध्यान देकर सुनो, ब्रह्मा जी अच्छी बात कहते हैं। बोले देखो, जीवन में जो कुछ आता है ना, कभी भी दूसरों के ऊपर में कोई दोष मत लगाओ। भैया उसने मेरे लिए ऐसे कर दिया, उसकी वजह से ऐसे हुआ, उसने ऐसे कर दिया। भैया कोई किसके लिए कुछ नहीं करते। हमने जैसे बीज बोए, अगर नीम का बीज बोएगा तो वहां कौन सा पेड़ आएगा बोलो, नीम का। अगर करेला का बीज बोओगे तो, अगर चीकू का बीज बोओगे तो, अंगूर का बीज बोओगे तो अंगूर आएगी। इसलिए हमने जैसे कर्म किया है ना, वो कर्म अनुरूप जी फल भोग करते हैं। इसलिए कभी किसको पर दोष मत लगा। ब्रह्मा जी कह रहे किसको पर जीवन में जो कुछ आए उसको भोग करते रहो, खुशी होकर के उसको भोग करते जाओ, और क्या करो, भगवान की भजन कभी मत छोड़ा करो, ठाकुर जी की भक्ति कभी जीवन में मत छोड़ना है। और ठाकुर जीवन में जो कुछ आए भोग करते जाओ, और प्रभु का भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर ऐसे जो अपना जीवन को बिताते हैं, प्रभु की भक्ति करते करते, और जो जिस स्थिति में ठाकुर जी रखे हैं उसी स्थिति में रहो, ठाकुर जी जो स्थिति में रखे उसी स्थिति में रहो, और उसको सबसे बढ़िया समझो। अगर किसको बोलते हैं ना, भैया थोड़ा भगवान की भजन करो, अभी से क्या भजन करेंगे, अभी छोरा छोरी है, इनको देखना, लालन पालन करना, बड़ा बनना, ये जब शादी शुदा हो जाएंगे ना, हैं, जब सारे काम पर निपटाएंगे तब तो भजन करेंगे। बोले भैया तू क्या काम निपटाओगे, खुद निपट जाओगे, अभी तो दुनिया की काम को इसने निपटाया। अब देखना जितने उम्र होते जाएगा उतना दायित्व तो ज्यादा आ जाती है। इसलिए ठाकुर जहाँ पर रखे उसी समय रहो। एक बार हाथ उठाओ, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भोग करते जाओ और भगवान की भक्ति करते जाओ। देखो आपके एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ, इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं जीवन में हमने जो कुछ किया है उसका फल कैसा आता है। ध्यान देकर सुना, बोले ये सही घटना है। बोले एक समय ये राजस्थान से एक व्यक्ति और एक व्यक्ति सिलीगुड़ी, ये बंगाल में सिलीगुड़ी की जगह नाम है, अभी दोनों ही बड़े पैसा वाला थे। वो दोनों ने सोचे अगर हम पैसा को एक साथ में जोड़ करके अगर कोई बिजनेस करेंगे ना, पार्टनर बनकर बिजनेस हमारी बढ़िया होगी। और जो राजस्थान का व्यक्ति था उसने पैसा दे दिया, जो बंगाल में जो व्यक्ति था सिलीगुड़ी उसको दे दिया। बोले भैया लो दोनों मिलकर के हम बिजनेस करेंगे। बोले ठीक ठीक है, अभी ये पैसा ऐसे की चीज है ना, बड़े बड़े व्यक्तियों का बुद्धि भी खराब कर देता है। इसलिए कली को परिचित महाराज कली को स्थान दिया है ना, जब इसको पास में इतना पैसा आ गया ना, इसके मन में बेईमानी आ गई। बोले उसने पैसा दिया किसी ने तो देखा नहीं, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। कौन देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहे हैं। उसने देखा जब इतना पैसा दे दिया, माला ही माल हो गया। बोले भैया किसी ने देखा नहीं, एक काम करता हूँ, वो तो आया दूर से, यहाँ पर तो देखा ही नहीं, इसको मैं जहर दे के मार देता हूँ और सारे पैसा को मैं दबा देता हूँ। उसने एक पकौड़े वाले से बात किया, बोले देख हम दोनों पकौड़ा खाने के लिए आएंगे, तेरे को मैं 1,00,000 रुपया दूंगा अगर ये काम करोगे। बोले बताओ क्या करना। बोले मेरे को तो बढ़िया पकौड़ा बना कर खिलाना, लेकिन मेरे साथ में जो दोस्त आएगा ना
उसमें जहर मिलाकर खिला दिया। वो तो पकड़ा वाला को अगर 1,00,000 रुपया उसी समय मिले वो तो माला ही माल है, वो तो बात में आ गया। भाई ठीक है, उसने उसको जहर पकड़ा खिलाया, उसको पता जहर खाया अभी रियाद सना होगा, उसको जल्दी जल्दी अपना घर में ले गया उसने। लेकर कभी उल्टी उसको दस होने लग गया क्योंकि अंदर में जहर चली गई। करते 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 वो व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया और उसको शरीर को कहीं उसने गायब भी कर दिया। जब कर दिया अभी दोनों का पैसा मिल गया, मिल गया तो उसने बड़े सुंदर मकान बनाया। लोगों ने सोचा भैया कहीं बिजनेस करने के लिए गया था, शायद उसको ज्यादा लाभ हो गया इसलिए बड़ा सुंदर मकान बनाए। उसके बाद में उसको उसको घर में एक सुंदर बच्चा जन्म लिया। वो बेटा जब बड़ा हुआ, बड़े होकर के बेटा की जब शादी हो गई ना, जब से शादी हुई तब से वो बीमारी में पड़ गया और ऐसे बीमारी में पड़ा बिस्तरा में लेट गया, बिस्तरा से उठने का और हिम्मत नहीं। और उसको पीछे उसने सारे पैसा उसको पीछे चला गया, सारे पैसा खत्म, बिस्तरा में लेट गई एकदम शादी का समय से। अभी शरीर छोड़ने वाले पूरा परिवार लोग खड़े हुए, अभी ये शरीर छोड़ेगा ठीक मरने से पहले, अभी तो लेटा हुआ था, ठीक मरने से पहले अच्छा खासा आदमी जैसे बैठ गया, बैठ करके ना सारे बात बोलना शुरू कर दिया। बोले देखो कान खोल करके, ये जो व्यक्ति है, मैं सिलीगुड़ी का व्यक्ति हूँ, मैं राजस्थान का व्यक्ति हूँ, मैंने इनको पैसा दिया था दोनों बिजनेस करने आए, लेकिन इसने मेरे को जहर मिला करके पकड़ा खिलाया और मेरे को गाय कहीं मार डाला। तो उसको प्रतिशोध लेने के लिए मैं उसको बेटा बन करके आया हूँ, उसका मैं बेटा बन करके आया हूँ। उसने जितने पैसा मेरे से लिया था, एक चक्रवर्ती ब्याज होता है ना, मिला जुला करके चक्रवर्ती ब्याज समेत इसकी सारे पैसा मैंने समाप्त कर दिया, लेकिन थोड़ी सी पैसा मैंने छोड़ दिया क्योंकि मरने का बाद अंतिम क्रिया करना पड़ेगा, इसलिए मैंने थोड़ी सी पैसा उसको छोड़ दिया है। इसको पूछो उसने ये काम किया कि नहीं, उसने बोले मैंने किया है, वो स्वीकार किया मैंने ये काम किया है। फिर लोगों ने प्रश्न किया, बोले ये बताओ तुम शादी से ही बीमारी में क्यों पड़े हो, शादी से बीमारी में क्यों पड़े हो, अभी तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई ना, इसको तो विधवा भोगना पड़ा क्यों। बोले देखो ये जो स्त्री है ना, जानते हो ये कौन है, बोले मेरे को जो पकड़ में जो जहर खिलाया था वही मेरी पत्नी बन करके आया, इसलिए अभी सारा जीवन उसको विधवा उसको भोगना पड़ेगा, वैधव्य जीवन लेना पड़ेगा। करते करते फिर उसने अपना शरीर को छोड़ दिया। देखो ये चीज को समझो अच्छे तरह से, इसलिए कहते ना अगर किसको तुम भलाई नहीं कर सकते हो कभी किसकी बुराई मत करो, ये चीज को गांठ बांध के रखो। किसकी अगर हम भलाई नहीं कर सकते हैं कभी किसकी नुकसान कभी भी मत पहुंचाओ करो। भगवान तुम्हें जिस स्थिति में रखे उसी स्थिति में रहो, उसी में खुश रहो, खुश रहकर क्या करो ठाकुर जी की भक्ति करते रहो, भगवान की भजन करते रहो। भक्ति करेंगे अगर थोड़ी विपत्ति है ना, अगर सही सही भजन करोगे बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाता है। अगर वाल्मीकि जैसे पापी, हाँ दस रत्नाकर जैसे व्यक्ति अगर मरा मरा करते करते वो वाल्मीकि बन सकता है, रामायण लिख सकता है, अगर हम भगवान के नाम लेके हमारे कल्याण नहीं होगा। इसलिए क्या करनी चाहिए, बैठ करके सब माताएं चुगली निंदा ये सब चीज को छोड़ देनी चाहिए। छोड़ कर क्या करो, समय हो तो ठाकुर जी की, अगर शांति सुख पाना चाहो तो क्या करो ठाकुर जी की माला करो, भगवान की भजन करो, इसी से ही दुख जाएगा। अगर हम जब किसी व्यक्ति की चुगली करते हैं ना, इसकी भी कथा सुन लो, हम जिस चुगली करते हैं उसकी कथा सुन लो। मतलब एक समय क्या हुआ, अब जिसको चुगली करोगे उसका कैसे सारे पाप तुमको तुम्हारे ऊपर भोगना पड़ेगा। एक समय कोई एक राजा ने, उन्होंने ब्राह्मणों को नौता दिया, कल हमारे घर में उत्सव है। पहले सुने उसे दूध ला कर रख दिया, बोले खीर बनाऊंगा, पकौड़ा बनाऊंगा, मालपुआ बना करके मैं ब्राह्मण को जिम्मा। अभी क्या हुआ, जहां पर दूध रखा था राजा को पता नहीं चला कि जहरीले सर्प आया और दूध में मुंह मार के चला गया, वो दूध क्या हो गया, जहरीला हो गया। लेकिन राजा को ये बात पता नहीं चला, उसने बड़ी सुंदर खीर बनवाया और जितने ब्राह्मण लोग थे उनको खीर को उन्होंने ब्राह्मणों को खिलाया।
जितने ब्राह्मण को खिलाया ना सबका राम नाम सत्य हो गया। जब बाद में पता चला किसी जहरीले सर्प ने मुंह मार कर गया था, राजा इतने दुखी हुआ, है भगवान मेरे से इतने ब्रह्म हत्या हो गई। उनने समस्त राजपाट छोड़ करके जंगल में प्रभु की भक्ति करने के लिए गए। कम से कम ठाकुर जी की भक्ति करते हुए सारे पाप का प्रायश्चित मैं करूं। जब भक्ति कर रहे थे इतने में स्वर्ग से दो अप्सरी उतर करके आए। एक अप्सरी दूसरे से प्रश्न कर रही है, ये बताओ ये राजा ने जो पाप कर्म किया उसको कौन भोग करेगा? क्यों राजा ने जो पाप कर्म की है वो जान बुझ करके नहीं किया, अनजान में ये बात हो गई। उनको तो पता नहीं था ना, ये अनजान में ये पाप हो गई, बताओ ये पाप को कौन ग्रहण करेगा? अभी उसने कुछ उत्तर नहीं दे पाए, फिर दोनों चले गए। उसको पीछे पीछे एक ब्राह्मण ने ये राजा को पास में कुछ पैसा मांगने आया, बोले महाराज मेरे घर में एक बेटी है वो शादी के लायक ही हो गई, अगर थोड़ी सी आप अर्थ देते तो हम चाहता हूँ बेटी को मैं शादी करा दूं। राजा ने कहा देखो जब मैं राज्य में था सबकी मैंने सेवा की है, लेकिन अभी मैंने सब कुछ छोड़ करके भजन करने आया हूँ, अभी मेरे पास में कोई पैसा नहीं। इतने में वो जो ब्राह्मण था ना राजा को इतने गाली गलौज किया, इतने चुगली, बोले दुष्ट तुमने ब्राह्मण को मरवाया और मार करके तू भजन करने के लिए आया, ये भजन नहीं ढोंग रचाने के लिए आए, तेरे को सारे पाप को भुगतना पड़ेगा। ऐसे उल्टी सीधी गंदी गंदी गाली देकर चला गया। जब चला गया फिर दूसरे दिन फिर दो अप्सरी आए, फिर एक दूसरे को पूछे बोले ये बताओ ये कर्म का फल कौन भोग करेगा? बोले मीमांसा हो गया। क्या हो गई? मीमांसा हो गई। बोले कैसे? बोले एक ब्राह्मण राजा से कुछ अर्थ मांगने के लिए आया, राजा नहीं दे पाया तो उसने राजा को खूब गाली निकाला, घंटे तक उसको गाली निकाल करके चला गया। ये राजा का जितने पाप थे ना वो सारे पाप कहाँ पर चला गया? और ब्राह्मण को ऊपर चला गया। इसका मतलब है अगर हम बैठ करके किसी व्यक्ति की चुगली करते हैं ना, अब जिसको चुगली करोगे उसका पाप क्या होगा हमारे ऊपर में आ जाएगा। इसलिए कभी भी किसकी चुगली मत किया करो, जिसकी चुगली करोगे उसको सारे पाप तुम भोगना पड़ेगा। समय है, समय को बर्बाद मत करो, ये मानव शरीर नहीं, ठाकुर जी हमें कोई न हीरे दिए। क्या दिया है ठाकुर जी? जोर से बोला कोई नीर हीरे दिए हैं। कि जो मानव शरीर की जो एक की जो श्वास है वो अनमोल है, हैं? ये अनमोल है। अगर एक एक श्वास में अगर हम भगवान के नाम को जप करते हैं समझो हमारी श्वास श्वास की सार्थकता है। इसलिए सबके सब एक बार हाथ उठा बोले हरे कृष्ण सबके सब बोलो जोर से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार आप लोग बोलो मैं सुनूंगा जोर से। पीछे पीछे माता को आवाज नहीं आ रही। देखो ठाकुर जी कहते हैं भैया ठाकुर का नाम कौन जप कर सकता है? कहते पूर्व जन्म में जिसने चार काम करके आया ना वही व्यक्ति की जीवा से प्रभु का नाम निकलेगा। कितना काम करके आया आज मैं बताऊंगा, कल आपसे सुनूंगा, ठीक है? देखो ये चार काम क्या है, ये भगवान कपिल देव अपना माँ को कह रहे, बोले माँ इसी जीवन में कौन भगवान की भक्ति कर सकता है, कौन ठाकुर जी का नाम जप कर सकते हैं? बोले अहो बद सपोच अतो गरिया। अहो मतलब होता है जैसे कोई हम आश्चर्य चीज देखते हैं ना, कहते हैं ना भैया क्या आश्चर्य है, क्या आश्चर्य बोलते हैं ना, इसलिए यहाँ पर भगवान कहते भैया जिनकी जिवा से ठाकुर का नाम निकलता है, हैं? बोले जनई पूर्व सत जन्म वासुदेव समर्चनम, जिसने पूर्व पूर्व जन्म में 100 जन्म तक, कितने जन्म तक? 100 जन्म तक जिसने पहले भगवान की अर्चना पूजा की ना उसकी जिवा से ही ठाकुर का नाम निकलेगा, नहीं तो बैठ कर दिन भर से ना गप्पे मारते रहेंगे। बोले तो माला करो, बोले समय नहीं माला कर तो समय नहीं हमारे पास में। इसलिए यह भगवान कहते हैं जो चार काम करके आए उसको जीवा में ठाकुर का नाम होगा। देखो चार काम किया अच्छे तरह से। पहला काम है
जिसने पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, जो सारे तीर्थ को जो घूम चुका, ये पहला काम। दूसरा है जितने तरह का तपस्या है, जिसने सारे पूर्व जन्म में तपस्या कर चुके हैं, कितना हो गया, दो। तीसरा काम है पूर्व जन्म में जितने यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, जिसने पूर्व जन्म में सारे यज्ञ कर चुके हैं। और तीसरा काम है पूर्व जन्म में जितने सारे तपस्या जो कर चुके हैं, कभी दान पुण्य तपस्या कर चुके हैं, उसकी जिह्वा में ठाकुर का नाम, उसकी जिह्वा में ठाकुर नाम निकलेगा, नहीं तो नाम नहीं निकलेगा। देखो आपको सच घटना सुनाता हूँ। एक समय एक माता जी अंतिम सज्जा में लेटी हुई थी, दया रे मैया रे दिन भर बोल रही थी, ये बच्चों को देख देना, ये बेटी को साल में ये कपड़ा देना, ये करना। बच्चों ने कहा माता जी चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे, कोई चिंता मत करो, तुम्हारी अंतिम समय पर राम राम राधे राधे बोलो। बोले इतना मेरे से बोला नहीं जाता, देख कितना बार बोल, इतना मेरे से बोला नहीं जाता, बार अक्षर बोल दी लेकिन दो अक्षर राम राधा नहीं। उसका जो पोते थे ना बड़ा चतुर थे, सोच रहे थे दादी के मुंह से किसी ना किसी तरह से राम राम राधे राधे निकले। बोले दादी तू क्या नहीं बोल सकती हो, वो सोच रहे थे कम से कम इतना तो बोलेगा, हाँ किसी तरह से राम राम राधे राधे नहीं बोल सकती हूँ। कहती है तुम लोग जो मेरे से बुलवाना चाहते है ना वही नहीं बोल सकती हूँ, तुम जो बुलवाना चाहते मैं वही नहीं और सब में कर सकती हूँ। इसका मतलब है जो पुण्यात्मा हो उसकी मुंह से ही ठाकुर की नाम निकलेगा, जो पापी व्यक्ति दिन भर बैठ करके दूसरे की चुगली करते रहेंगे लेकिन उसका मुंह से ठाकुर का नाम नहीं निकलता है, नहीं निकलेगा। पिछले समय को नष्ट नहीं करके भगवान की भजन करो, हरि नाम करो, यही साथ में जाने वाले, इसी से ही बेड़ा पार होएगा, इसी से ही जीवन में शांति और सुख इसी से ही मिलेगा। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हे प्रभु, वे लोग सौभाग्यवान है जिनकी जीवा से ठाकुर जी की नाम निकलता है। इसलिए भगवान को जब स्तुति कर रहे थे ब्रह्मा जी, देखा बाकी बिहारी खुश नहीं हो रहे। ब्रह्मा जी ने देखा अभी तक मैंने भगवान की स्तुति की, थोड़ी सी उनको भक्तों को स्तुति करके देखता हूँ। बोले अहो भाग्यम अहो भाग्यम ब्रज गोप सुख साम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। बोले हे प्रभु ये तुम्हारी भक्तों की ब्रजवासियों का सौभाग्य क्या बताऊं। इसलिए अहो अहो दो बार अहो शब्द बड़े आश्चर्य की बात है। बोले कृष्ण कौन है, पूर्ण ब्रह्म सनातन है, लेकिन हो करके सखाओं का सखा बन गए, उनकी झूठन खाते हैं। सखाओं को कोई फल मिल जाए ना, बोले कन्हैया बड़ा मीठो फल है, कन्हैया बोलेगा सारे तू अकेले खाओगे हमें नहीं दोगे, उनका छीन करके उनका झूठन खाएंगे। बोले इतने मीठे मीठो फल तू अकेले खा रहा था। कृष्ण जब मक्खन चोरी की, मैया ने उखल में बांध दी कृष्ण को, उखल में कृष्ण को बांध दी, विश्व ब्रह्मांड का तान पकड़ करके बांके प्यारी उठाता बैठा था। अगर कृष्ण कहीं मक्खन चोरी की तो मैया कहते लाला सीधा कान पकड़, बोले कई चूरे तेने मक्खन चोरी की। कृष्ण डर जाते हैं, क्या कहते हैं, बोले मैया मोती मैंने ही मां खाया, मैया मैंने मक्खन नहीं खाई। बोले सब सखा लोग जो बोलते हैं, बोले मैया खुद तो चोरी चोरी कर खाते हैं और जोर करके मेरे मुंह में मक्खन लगा देते हैं और मेरे को चोर बना देते हैं, और जल्दी तू इनकी बात में आ जाती हो, हैं? जल्दी तो इनकी बात में आ जाती है। इसलिए विश्व ब्रह्मांड का मालिक, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भैया ये ब्रजवासियों का महिमा तो हम बता ही नहीं सकते हैं, क्या पुण्य किया इन लोगों ने, पूर्ण ब्रह्म सनातन सखा बन गए, इनकी लाला बन गए, इनके प्रियतम बन गए। जब उन्होंने ब्रजवासियों को स्तुति की ना, इतने में ब्रह्मा जी थोड़ा मुस्कुरा दिए, ब्रह्मा जी को कृष्ण थोड़ा मुस्कुरा दिए। ब्रह्मा जी को पता चला भगवान का कमजोर कहाँ पर, मतलब है अगर कोई ठाकुर जी को खुश करना चाहते हो, ठाकुर जी कहते मेरे भक्तों की सेवा करो, मैं अपने आप खुश हो जाऊंगा, मेरे भक्त सेवा से मैं जितने संतुष्ट होता हूँ और किसी को द्वारा इतना मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ। ब्रह्मा जी ठाकुर को तीन बार परिक्रमा लगाई, परिक्रमा करके ठाकुर जी को प्रणाम किया, ठाकुर जी ये पृथ्वी को धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, पृथ्वी का बारिश को बूंद को कोई गिन सकते हैं, ठाकुर तेरी महिमा को नहीं कोई पार सकते हैं।
ब्रह्मा जी प्रभु को प्रणाम करते हुए ब्रह्मा जी चले गए। इसलिए ब्रह्मा जी इंद्र को कह रहे, बोले इंद्र ये कृष्ण ऐसे एक अवतार है, सभी की घमंड को उन्होंने तोड़ा है। कृष्ण का नाम गोपाल है जो गैया को पालन करते हैं, इसलिए तुम सुरभि गाभी की अनुगत्य में उनकी शरण में जाओ, ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। फिर उन्होंने ठाकुर का अभिषेक किया और ठाकुर जी का एक नाम रख दिया गोविंद। बोले श्री गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। एक भजन सुन, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, ठाकुर जी का संबंध हर किसी से कोई ना कोई होता है। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, लेकिन हमारा संबंध तो भैया हम ब्रजवासी हैं, हम तो ठाकुर को अपना यार, अपना मित्र, अपना सखा मानते हैं। तो आइए आप ही भाई भाव से दोनों हाथ उठा के ताली से भर करते Thank you.
जिनको उम्र है 5 साल की, जिनको उम्र है 4 साल की, एकदम छोटी छोटी गोपियां ब्रज में एकदम सवेरे सवेरे उठ करके जमुना में स्नान करती थी और एक रेती की तातायन मूर्ति बना करके तातायन देवी की पूजा करती थी। देखो ये जो श्लोक है ना, ये दो काम करती है। इसी जगत में जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है, अगर ये मंत्र से पूजा करे माता देवी को तातायन को, जल्दी शादी हो जाती। अगर कोई कृष्ण को अपना पति रूप में पाना चाहते हैं, भगवान कृष्ण भी उनकी पति बन जाती है। श्लोक में दो काम होती है। देखो वो श्लोक क्या है, बोले तात्तायनी महामाये महाजोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। बोले हे तात्तायनी, हे महामाये, हे महाजोगिनी, मतलब जो असंभव को जो तू संभव कर सकते हो, इसलिए क्या करो, अगर आप हमारे ऊपर में प्रसन्न हो, जो नंदक लाला कृष्ण कन्या को हमारी पति बना दो। एक महीना तक एक बार हविसार में खाती थी। हविसार में मतलब होता है, हवि मतलब होता है घी, एक साथ में दाल चावल एक साथ में डाल देती है और उबाल करके, कोई छोंक नहीं, उसमें थोड़ी सी घी दे देती है। घी दे करके दिन में एक बार खाती थी और दिन रात ठाकुर का नाम कीर्तन करती थी। इनकी व्रत को देख करके भगवान कृष्ण संतुष्ट हो गए। संतुष्ट होकर के बोले,
तुम सबको साथ में मैं शरद पूर्णिमा में मैं रास करूंगा। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी ये रास लीला को जो वर्णना कर रहे हैं ना, सबको सावधान कर देते हैं, बोले देखो ये जो रास रचया कोई जीव नहीं, ये कृष्ण कन्हैया है जो विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है। इसलिए कुछ कुछ लोग कहते हैं अरे क्या कृष्ण ही केवल रास कर सकता है, क्या हम नहीं रास कर सकते, हम भी गोपियों को लेकर हम भी नाचे, कृष्ण भी ऐसे किए हैं। कोई कोई बोलते हैं भैया इतना आसान नहीं, आप लोग ने शादी किए हो, कौन कौन शादी किया हाथ उठा कर, अरे हाथ उठा हंस रहे, कौन कौन ने शादी किए हो देखना। अगर अगर एक को साथ में शादी हो करके, एक चीज को समझो, अगर जीवन में एक पत्नी को साथ में शादी करके किसी तरह से एक जीवन बीत गया ना, समझो गंगा में नहा लिया, गंगा में हाथ धो लिया। आपको पता होगा घर गृहस्थी करते हो, संसार को पालन करना कितना कठिन। देखना जब लड़की शादी करती है ना, अभी ससुर घर में जाएगी, ए बच्चा बात मत करो, इसलिए जब वो अपना ससुर घर में जब जाती है देखना बहुत रोती है कि नहीं, आप लोग भी रोए होंगे। एक समय वो शादी होकर नई दुल्हन जा रही थी, बहुत रो रही थी, परिवार वाले समझा रहे थे, बोले चिंता मत करो बीच बीच में हम भी चले जाएंगे, तुम भी चला आना, रोना नहीं। लेकिन उसको रोना बंद ही नहीं हो रहा है। पति ने कहा क्यों रो रहे हो, चुप हो जा, कब से रो रही है, रोती जा रही है। उसको पत्नी ने कहा देख शादी का पहला दिन मैंने रो लिया, अभी आज से मेरा रोना बंद, कल से तेरा रोना शुरू हो जाएगा और मैं नहीं रोगा, अभी तू जिंदगी भर रोगे। सही है कि नहीं बोला, सही कि नहीं? हाँ। इसलिए एक पत्नी को संभालना कितने कठिन है। लेकिन भगवान कृष्ण इतने, जब कृष्ण द्वारका में गए 16108 पटनानियों से ठाकुर शादी की, जब कृष्ण रास रचाए 100 करोड़ गोपियों को साथ में, हर गोपियां देख रही थी कृष्ण मेरे साथ, कृष्ण मेरे साथ। देखो एक व्यक्ति की 2 बीवी थी, आपको पता होगा जिस घर में 2 बीवी है ना, दिन भर देखना महाभारत चलती है, दिन भर। अभी दिन भर पति दिन भर काम करता है, घर में जाएगा तो सोचता है पत्नी थोड़ी मीठी मीठी बोली बोलेगी, पास में बैठाएगी, गरम गरम रोटी खिलाएगी, थोड़ा पंखा झुलाएगी, घर में आए लड़ाई महाराज, रोज घर में अशांति। उसने सोचा भैया एक काम करता हूँ, ये दोनों को 2 मंजिल मकान बना देता हूँ, एक ऊपर रहेगी एक नीचे रहेगी, फिर लड़ाई करता हूँ। लेकिन जो नीचे रहती है ना, वो पहले से ही रोटी सब्जी बना करके दरवाजे के सामने बैठी रहती, पति आए तो जोर जबरदस्ती हाथ पकड़ कर अंदर ले जाती, और जो ऊपर रहती वो तो दिन भर परेशानी। पर भैया रोज रोज ही ना कर, ऊपर जो रहती थी, एक दिन उसने एकदम रोटी सब्जी बना करके गर्म पानी बना कर रख दी, बोले आज मैं मजा चखाऊंगी, वो नीचे आकर बैठी। जब पति आए ना, बोले रोज रोज नीचे चले जाते, मैं ऊपर बैठी जाती, चलो ऊपर चलो, हाथ पकड़ कर उसको खींचते हुए ले जा रही नीचे। बोली भैया मैं तो रोटी पानी बना कर रखी हूँ, एक तो हाथ पकड़ लिया कि टांग पकड़ लिया, अभी वो दोनों छोड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं है, अभी वो बेचारा बीच में क्या करेगा। उसी समय में एक चोर उसको घर में चोरी करने आया था, वो चोरी क्या करेगा, वो तो नाटक देखना शुरू कर दिया, दोनों बीबी होने पर घर में क्या नाटक होती है। जब बड़ी देर से इनकी नाटक खत्म हुई, देखा घर में एक चोर बैठा हुआ, अभी उसको पकड़ करके पुलिस को पास मिले गए, बोले इसको क्या सजा दे, बोले भैया जो सजा दोगे सब सजा लेने के लिए तैयारी, लेकिन एक सजा मत दिया करो। बोले क्या, बोले मेरे घर में 2 बीवी नहीं होनी चाहिए, ये सजा में मत दिया करो। इसलिए कभी भी आप लोग तो पत्नियां हो, जो पुरुष लोग है, भैया एक को साथ में किसी तरह से जीवन निभा दो, बस गंगा में हाथ धो लिया, दूसरे के तरफ में भूल से भी है, भूल से भी दूसरे तरफ में देखा मत करो, फिर तो तुम्हारे घर में क्या चलेगी, रोज महाभारत चलेगी तुम्हारी घर में। इसलिए एक को साथ में, इसलिए भगवान राम ने क्या किया, भगवान कृष्ण भगवान राम ने क्या किया, एक पति व्रत नारी, एक सीता के सिवाय और किसी को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। यज्ञ का समय में वशिष्ठ जी ने बोले भैया यज्ञ तभी कर सकते हो, पत्नी के बगैर कर नहीं सकते, लेकिन सीता तो वनवास में भेज दिया था, विश्व वाल्मीकि आश्रम पर राम को बोले, बोले नहीं सीता को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, मेरे को पता है वो पवित्र है, वो पवित्र सीता है और मेरी अर्धांगिनी है, मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ,
शिक्षा देते हैं भैया राम का आदर्श ग्रहण करो, कृष्ण का नहीं, कृष्ण का बोली को ग्रहण करो, उनके आदर्श को जो करते हैं ना वो चीज, इसको चीज को तुम हजम नहीं कर सकते हो, वो केवल कृष्ण भगवान ही। इसे देखो एक समय नारद जी द्वारका में पहुंचे, बोले भैया एक घर में दो पत्नी हो तो दिन भर नाटक होता है, कृष्ण इतनी पत्नियों को कैसे संभाल रहे हैं। एक दिन द्वारका में गए, सबसे पहले रुक्मिणी के घर में प्रवेश किया ठाकुर जी, देखा कृष्ण वहां यज्ञ कर रहे थे, रुक्मिणी को साथ में यज्ञ कर रहे थे। जब नारद जी गए, नारद जी जब गए तब कृष्ण ने कहा नारद जी बीच बीच में कभी कभी आया करो इधर कभी, तब उनको पूजा की, उनकी सेवा की। जब उन्होंने विदाई दिया ना, फिर उन्होंने सत्यभामा के घर में गई, देखा बच्चों को बैठा कर पढ़ा रहे थे ठाकुर जी, अभी उन्होंने विदाई दिया, जब वहीं पर गए फिर कृष्ण कहते नारद जी बीच बीच में आया करो, बड़े दिनों में आए। नारद चक्कर में पड़ गए, बोले अभी तो प्रभु विदाई दिया और कह रहे तुम बड़े दिन में आए हो। जब उन्होंने तीसरे घर में गई ना, देखा वहां पर हैं कालिंदी को साथ में वहां पर पासा खेल रहे थे ठाकुर जी। तो वहां पर गए, फिर ठाकुर जी बोले नारद जी आप तो बड़े दिनों में आए हो। नारद तो चक्कर में पड़े गए, ये क्या है। ठाकुर जी हर घर में अलग 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 रूप में ठाकुर जी लीला कर रहे, तो हर घर में कृष्णा, सब घर में अगर हमारी मन की इच्छा कोई पूरी कर सकते है ना, एक बांके बिहारी कर सकता है जितने रूप में। इसलिए गोपियां जब रास कर रही थी, हर गोपियां देख रही थी कृष्ण मेरे पास, ठाकुर जी केवल मेरे पास में, केवल ठाकुर ही सबकी मन को भर सकते, श्री बांके बिहारी है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब ये भागवत जब रासलीला की कथा बोल रहे ना, बोले सावधान भैया ये रास रचिया कौन है, ये बांके बिहारी, ये बांके बिहारी कौन है, कहते भगवान। ये कौन है, जोर से बोलो। हाँ देखो एक चीज को अच्छे तरह समझ करके जाओ, हम लोग है ना कभी कभी जिसको तिसको भगवान मांग बैठते हैं, ये भगवान ये भगवान, किसको नौकरी दे दिया बोलिए भगवान है, किसने थोड़ी जादू टोना कर दिया, कोई चीज दिखा दिया बोलिए भगवान है, उसको पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अगर नौकरी देने पर भगवान होते हैं भैया, अभी तो मोदी सबको नौकरी दे रहा है, वो तो सबसे बड़ा भगवान हो गया है, इसे सबसे बड़ा भगवान। अगर थोड़ी सी हाथ लगाते हैं बीमारी सही हो जाता है ना, फिर तो सारे डॉक्टर ही भगवान है, वो तुम्हारी बीमारी सही करते हैं। भैया ये कोई भगवान नहीं है, भगवान कौन है, केवल भगवान बांके बिहारी। कौन भगवान है, हमारी बांके बिहारी भगवान है, राम भगवान। देखो भगवान का डेफिनेशन सुनो अच्छे तरह से सुन लो, कहते भगवान जैसे बलवान धनवान, बलवान क्या जिसको अंदर बल है, धनवान क्या जिसको बात में धन है, रूपवान क्या जिसको अंदर में रूप है, उसी तरह भगवान, भग मतलब क्या बोले ऐश्वर्य, कहते जिसको अंदर में ये छह ऐश्वर्य थोड़ी थोड़ी मात्रा में नहीं परिपूर्ण रूप में हो वो भगवान। बोले वो छह ऐश्वर्य क्या है, देखो ये शास्त्र कहता है, बोले समग्रस्य ऐश्वर्यस्य विर्यस्य जससस्त्रिय। पहला नंबर है ये विश्व ब्रह्मांड का जितने धन दौलत है, सारे रुपया पैसा का जो मालिक है, सारे ऐश्वर्य का। इसलिए लक्ष्मी क्या करती है, भगवान की चरण सेवा करती है, नारायण के ठाकुर जी की चरण सेवा करती है लक्ष्मी। जैसे हम सुनेंगे सुदामा दो मुट्ठी चिड़ी वाला है ना, ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए, जब तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे ठाकुर जी, रुक्मणी हाथ पकड़ती बोली नहीं प्रभु, अपने दो मुट्ठी चिड़वा खा लिया, उसको घर में सारे राज ऐश्वर्य पहुंच गया, सारे राज ऐश्वर्य पहुंच भगवान। जब सुदामा आता है ना, पूरा घर सोने में बनी हुई, पत्नी को राज रानी बन करके बैठी हुई। देखो केवल ठाकुर इच्छा मात्र से ही क्या हो गया पूरा, जब उन्होंने कहीं आती है आती भी देखे होंगे, जब उन्होंने सुदामा जी का घर को सोने सोने बना दी, सुदामा पत्नी सुदामा कहती प्रभु ये गांव में हमारी घर ही केवल सोना क्यों, हम चाहते वृंदापुरी को सोना बना दो, वृंदापुरी को घर घर ही सोना बन जाए, इसलिए गरीबी रहेंगे, मैं कैसे अकेले सोने की महल में रहूंगा। ठाकुर जी क्या किया, सब वृंदापुरी उन्होंने सोने सोने बना दिया, ये भगवान केवल इच्छा मात्र से ही जिस सारे ऐश्वर्य माँ लक्ष्मी जी की चरण की
सेवा करती ऐश्वर्य सब वीर्य। वीर्य मतलब होता है पराक्रम। अभी तक कृष्ण की कथा सुने हो, कल सुने ना कृष्ण गिरिराज उठा लिया, सुने कि नहीं? गिरिराज कौन कौन गए हो, हाथ उठाओ तो। कितना घंटा लगा परिक्रमा करने में? 5-6 घंटा 7 घंटा लगता है केवल परिक्रमा करने के लिए। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, गिरिराज को उन्होंने कनिष्ठ अंगुल के ऊपर उठा दिया। अभी जिनको भगवान कहते हैं भैया के 10 क्विंटल पत्थर, कृष्ण तो इतना बड़ा गिरिराज उठाया, केवल 10 क्विंटल पत्थर ला करके सर पर रख दो, सारे भगवान निकल जाएगा तुम्हारे, सारे भगवान। कृष्ण कालियों को सर पर नृत्य की, कालियों का पानी, काली हरद का पानी है उबलता था, ऊपर में कोई चिड़िया भी उड़ कर नहीं जा सकते थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया, सर को भर नृत्य किया, ठाकुर जी नृत्य किया उसके ऊपर में, पानी में तैर रहे थे भगवान कृष्ण है। इसलिए ये भगवान है, भगवान अग्निपान 3-3 बार व्रज में आग लगी, ठाकुर जी सारे अग्नि को ठाकुर जी पान करते, सारे अग्नि को पान, ये भगवान है, है? इसलिए कहते वीर्य पराक्रम बोले श्री। हाँ ये चीज को सुंदर, जगत में सबसे जो सुंदर हो, जिससे सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए कहते ना बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। सुनते कि नहीं, सुने कि नहीं? बोले बात कभी कभी गोपियां कहती है कन्हैया तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करोड़ों की, अच्छा हुआ तेरे को परमात्मा ने लाली नहीं बनाकर लाला बना दिया। तू इतने सुंदर हो, अगर तू लाली होता है ना पृथ्वी में जितने क्षत्रिय आपस में युद्ध करके सब मर जाते तेरे को पाने के लिए, तू इतने सुंदर हो तू है। इसलिए कहते कोटि कंदर्व कमन्य विशेष शोभ। इसलिए देखो एक चीज को समझो, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, ये चीज को समझ लो। भगवान कभी क्या नहीं होते, भगवान कृष्ण 125 साल तक रहे, देखना कृष्ण का कहीं छवि देखोगे ना एकदम ईश्वर मूर्ति है, कभी कृष्ण कहीं बूढ़े रूप में नहीं देखोगे है। और भगवान का कभी दाढ़ी नहीं होता, कभी की भोग उनका मोच नहीं होता है, कभी भी। भगवान राम बताओ सकत बताओ तो भगवान राम कितने दिन तक संसार में रहे, कौन बोलेगा हाथ? भगवान राम अयोध्या में कितने साल तक राज होते, कौन बोलेगा? जो बोलेगा मैं इसको इनाम दूंगा। बोलो सब कैसे इधर उधर क्या दिख रहे थे? अगर पूछना कौन हीरो का नाम बता दो, कौन हीरो का नाम था, सारे गंदी गंदी चीज को याद। देखो यही हमारी दुर्गति है, हमारी सनातन धर्म में हमारा कोई निष्ठा नहीं है, कोई निष्ठा नहीं, गीता रामायण कोई भागवत से हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन मुसलमान को तो मुसलमान भाइयों को छोटे छोटे बच्चों को कुरान बोलो झटा झट बोलेंगे, लेकिन हमारे बच्चों का कोई गीता के श्लोक बोलो कोई याद ही नहीं। बोलो राम कितना दिन थे, भगवान का राम 11,000 साल तक उन्होंने राज्य किया, कितना 11,000 साल तक उन्होंने अयोध्या में प्रभु ने राज्य किए। लेकिन आप देखे कब देखे नहीं होंगे भगवान राम का दाढ़ी था, कभी भगवान का कभी मोच आया है, कभी उनकी कभी नहीं देखोगे। भगवान कोई बूढ़े बनते हैं, भगवान कोई बूढ़े नहीं बनते हैं। और एक चीज को समझो, भगवान कभी मरते नहीं, भगवान कभी मरते नहीं। रामायण देखे होंगे ना लास्ट में, जब भगवान राम जाते हैं पूरा अयोध्या वासियों को लेकर गए, गए कि नहीं ठाकुर जी? सरोज में स्नान कर रहे हैं, एक तरफ में स्नान कर रहे हैं, दूसरे तरफ में चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुए, और वैकुंठ से रथ आया, सबके सब रथ में बैठी करके प्रभु के पास में ठाकुर जी पूरा अयोध्या वासियों को ले गए, लेकिन केवल एक व्यक्ति को छोड़ कर गए। किसको छोड़ गए? हनुमान जी। क्यों? जगत में राम भक्ति के प्रचार करने के लिए। कृष्ण सबको लेकर कृष्ण गए, एक कीड़े मकड़ों को ठाकुर कृष्ण नहीं छोड़े, नंद यशोदा सबको ब्रजवासी कृष्ण सबको लेकर गए। लेकिन वो भी कृष्ण भी ये जो वज्रनाभ थे ना इनको और 2-4 भक्तों को उद्धव जी को भगवान मैत्रेय को इनको 2-4 संतों को छोड़ कर गए बोले जगत में भक्ति प्रचार करने की। इसलिए भगवान अपना धाम समेत आते हैं और धाम समेत ठाकुर जी चले जाते हैं। ठाकुर जी कभी बूढ़े नहीं होते, जैसे कृष्ण है, बताओ इनका धाम कौन सा धाम? अरे बोलो कहाँ रहते थे? भगवान राम कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? इसलिए ठाकुर का धाम होता है। इसलिए
आप लोग हमारे हिंदू लोग है ना बहुत सरल व्यक्ति है, बड़े सीधा साधा है, इसलिए क्या करते जिसको तिसको भगवान मान करके अपना घर में फिर बैठा देते है। नहीं, हमारे कृष्ण को राम को छोड़कर कोई भगवान है नहीं, जिसको तिसको घर में नहीं बैठाना है, जिसको तिसको घर में नहीं बैठाना। बैठाना तो देखो ये मानव शरीर दुर्लभ है, ये मानव शरीर हमारी दुर्लभ है, ये 84 लाख जन्म के बाद में मिला। अगर तुमने भगवान कृष्ण को राम को छोड़ करके जिस तीस व्यक्ति को तुम भगवान मान करके और उसको पूजा करो ना, डूब जाओगे संसार में, उधार करने वाले कोई नहीं रहेगा। इसलिए देखना हमारे भारतीय संस्कृति में जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलेंगे ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सबकी बात झूठा है। इसलिए भगवान कोई नहीं है, केवल हमारे कृष्ण राम ही केवल भगवान है और कोई भगवान नहीं। इसलिए अभी नई नई सब भगवान निकल गए हैं, ये भगवान हम सब पागल है सबके सब, हम भगवान का डेफिनेशन नहीं जानते, इसलिए हम जिसको तिसको भगवान भगवान भगवान। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब वो रास लीला वर्णन कर रहे सावधान कर देते हैं, भैया जो रास रचिया है ये कोई जीव नहीं, ये रास रचया स्वयं अनंत विश्व ब्रह्मांड के जो मालिक श्री बांके बिहारी, बोले श्री बांके बिहारी की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया की। इसलिए भगवान कृष्ण जब बंसुरी बजाई, बंसुरी बजाते समय गोपियां अपना अपना घर का काम कर रही थी, कोई तो पति की सेवा कर रही थी, कोई रोटी बना रही थी, कोई एक आंख में काजल लगाई, अभी दूसरे आंख में काजल लगा नहीं पाई, कृष्ण बंसुरी बजाई, कोई आधा कपड़ा पहनी हुई थी उस समय छोड़ दी, किसने गले का हार को प्यार में प्यार को नूपुर को गले में धारण कर लिए, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी उसी समय में छोड़ दिए, जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में सारे काम को छोड़ करके भगवान जो बंसुरी बजाई, बंसी से क्या आवाज निकल रहा था अभी राधा रानी सुन रही थी, बंसुरी से केवल राधे 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 राधे, ललिता सुन रही थी केवल बंसुरी से ललिता ललिता निकल रहा है, विशाखा सुन रही थी बंसुरी से केवल विशाखा विशाखा, और कोई शब्द नहीं, सबके सब निकल करके आए। जब निकल करके आई कुछ गोपी को बाहर निकल करके आ गई, लेकिन कुछ गोपियों को पतियों को आने नहीं दिया, बोले बीच रात में कहाँ जा रहे हो, घर से नहीं निकलना चाहिए, टांग तोड़ दोगे सबके सब निकलेगे तो है, कुछ निकली नहीं, ये चीज को समझो, निकली कौन और निकल नहीं पाए कौन। कहते जिनकी भाव संपूर्ण कृष्ण के प्रति थी वो तो निकल करके आ गई, लेकिन जिसकी भाव कच्चा थी, जिनके शरीर पति को साथ में संबंध था शरीर, वो शरीर अपवित्र हो गया, वो कृष्ण सेवा के लायक नहीं है, क्यों शरीर हो गया झूठा है, इसलिए कि उनका पति के शरीर में उसका शरीर संबंध था, वो शरीर अपवित्र शरीर, वो कृष्ण सेवा में लागने का लायक नहीं, इसलिए उनको पति लोगों ने आने नहीं दी। लेकिन जब आने नहीं दी ना वो दुखी हो गई, बोले हे प्रभु आज क्या हम ये रासरूपी उत्सव में आपसे हम मिलित नहीं हो सकते, जब ने हृदय से भगवान को पुकारी इनके शरीर में कृष्ण का प्रति विरह हुई, विरह होते ही शरीर में जो थोड़ी कमी थी ना वहीं पर खत्म हो गया, शरीर का तो वहीं पर रह गया, लेकिन आत्मा शरीर से सबके सब श्री कृष्ण के पास में आए। जब कृष्ण के पास में आए भगवान उनको स्वागत करते हैं, बोले स्वागतम है महाभागा, कहते जगत में तुम लोग सबसे बड़े सौभाग्यवती हो हैं, इसलिए मैं तुम सबको मैं स्वागत करता हूँ, क्यों तुम लोगों ने सारे संसार के बंधन को छोड़ करके कोई रसोई बना रही थी, कोई दूध दुहन करती, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, इसी अवस्था में तुम लोगों ने छोड़ करके आए हो हैं, इसलिए मैं सबको मैं स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी बात है तुम लोग आए हो, तुम लोग पतिव्रता नारी, पतिव्रता नारी का धर्म है अपना पति की सेवा करे, पति भले ही जो कुछ क्यों नहीं हो, लगड़ा लुढ़े निकम्मा क्यों नहीं हो, पत्नी का धर्म है अपना पति की सेवा करना ही पतिव्रता धर्म है। देखो गोपियां ये अंधकार रात्रि है, ये अंधकार रात्रियों में है तुम लोग सुमध्यमा हो, सुमध्यमा मतलब क्या है, वो देखने में गोपियां बहुत ही सुंदर थी, कितना सुंदर आपको पता है, देखो वर्णना किया ये गोपियां कितना सुंदर थी, बोले ये पृथ्वी में जितनी स्त्रियां हैं सारे सुंदरता तक एक कर दो, करने पर स्वर्ग में जो रंभा उर्वशी मैंने कहा सुनते हो ना, एक अप्सरी को साथ में पृथ्वी में सब स्त्रियों का सुंदरता मिलाने पर एक गंधर्व को साथ में होता है,
समझो स्वर्ग की अप्सरिया कितना सुंदर है। वहां पर जितने रंभा और वस से मैंने कहा कहते इनकी सुंदरता को एकत्रित कर लो तो इसको साथ में बराबर होंगे एक लक्ष्मी के साथ। बोले अनंत करोड़ लक्ष्मियां हैं, अनंत करोड़ लक्ष्मियां, कहते इनकी सुंदरता को एक करना किसको साथ में बराबर होंगे एक गोपी को साथ। इतने सुंदर ये जो अनंत करोड़ गोपियां हैं इनकी अगर सुंदरता को एकत्रित कर दोगे ना, राधा रानी इतने सुंदरी है जिनके चरण की नख की छटा में इनकी सारे सौंदर्यता वही समाहित हो जाएगी। इतने श्री राधा रानी सुंदरी, बोले श्रीमती राधा रानी की, जोर से बोलो, बोले श्री राधा रानी की, बोले श्री वृषभानु राज नंदिनी की। इतने सुंदर, इसलिए कृष्ण कहते हैं हे सुमध्यमा अभी ये बहुत अंधकार रात्रि है, तुम लोग पतिव्रता नारी हो, पतिव्रता नारी का धर्म नहीं है कभी अंधकार रात में निकल। देखो कृष्ण यहाँ पर शिक्षा दिया, क्या शिक्षा दे जानते हो, कभी भी स्त्रियों को अकेले घर से नहीं आनी चाहिए। अगर बचपन में स्त्रियां किसकी अधीन में रहती हैं, पिता माता की, बड़े हो जाए किसकी अधीन में, पति, जब बूढ़ी हो जाए किसके अधीन में, बेटे के अधीन में रहती है। इसलिए कभी स्त्री जाति को ये स्वतंत्रता हमारे शास्त्र में मना किया, हर समय स्त्री जाति को उदाहरण दिया। देखो जैसे किसी आता है उसको पानी देकर मल दो, मल कर घर की किसी कोने में रख लो ना, चूहा खा जाएगा। अगर उसको छत को ऊपर रख लो तो कौवा खा जाएगा। कहते स्त्री जाति ऐसे है, ऐसे स्त्री जाति है। कहते भैया इसलिए जैसे सीता को रावण उठा कर ले गया था ना है, इसलिए पहले तो एक रावण था, अभी घर घर में रावण हो गए। इसलिए बोले यहाँ पर कृष्ण शिक्षा देते हैं अंधकार रात में स्त्रियों को घर से अकेले नहीं जानी चाहिए। अब देख लो जितने बड़े बूढ़ों को पूछ लो, कभी कोई स्त्रियां घर से अकेले कहीं बाहर नहीं जाती थी, जब जाते थे किसी बेटा नहीं तो पति सबको अधीन में, कि सबके सब जाते थे अंधकार रात में, कहीं अगर जाते इनकी अधीन में जाते थे, तभी क्या होता था स्त्रियों की सतीत्व की रक्षा होती थी, स्त्री की सतीत्व नष्ट नहीं होती थी, क्योंकि हर समय किसके अधीन में। लेकिन पहले एक असत्य नारी मिलना कठिन थी, आप लोगों को पता होगा, लेकिन घोर कलयुग आएगा ना एक सती नारी मिलना कठिन हो जाएगा। हम तो सोचते ही नहीं, बेटियों को पढ़ाओ 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 बोलते हैं ना, पहले ज्यादा नहीं पढ़ाया करते थे, थोड़ी सी पढ़ गया भैया थोड़ा हिसाब किताब, जा शादी कर अपना पति घर में, अपना पति घर में तुम चले जाओ वहीं पर रहो, पहले ऐसे होता था ना, इसलिए डाइवोर्स कभी नहीं होता था। अभी जितने पढ़ाई लिखाई जितना ये हो रहा है ना, बस इतने डाइवोर्स हम भारत में 30-40 वर्ष से होने लग गया डाइवोर्स, अभी इतने होने लग गए, कारण है यही सब कारण है। इसलिए कृष्ण यहाँ शिक्षा देते हैं भैया अकेले मत आओ रात को, मना कर दिए, अपना पतिव्रता नारी घर में रहो, कृष्ण शिक्षा दिए अपना घर में चले जाओ तुम लोग। जब कृष्ण गोपियों ने बोले बोले देखो जो पतिव्रता स्त्री होती है देखो उनके अंदर में कितने शक्ति, कृष्ण देव क्या कहते हैं, बोले बोले एक स्टोरी सुन लो, बोले सुनाओ क्या बोला, बोले एक समय कोई एक पतिव्रता नारी की जंघे में पति सर देकर सो रहा था, घर में एक छोटा बालक था, थोड़ी देरी पहले पत्नी अभी चूल्हे में उन्होंने रोटी बनाई सब्जी बनाई, अभी चूल्हे में आग धधक रही है, इतने में बच्चा का आँख खुल गया, केवल घुटने पर चलना सिखा है, वो चलते चलते एकदम चूल्हे को में गिरने वाले, उसकी पत्नी तो घबरा गई, अभी क्या करनी चाहिए, ये तो पति लाला अभी चूल्हे में गिरने वाला, कहते अगर मैं पति को उठाता हूँ मेरे जंघे पर सर लेकर सो रहे, अगर पति को उठा देता हूँ क्या होगा, मेरे पति पर तो धर्म नष्ट हो जाएगी है, अगर मैं रक्षा नहीं करती हूँ फिर बच्चा अभी तो चूल्हे में गिरेगा, अभी कर्मी क्या चाहिए। बोले मैं एक पतिव्रता नारी, मेरा धर्म है अपना पति की सेवा करनी चाहिए भले बच्चा मर जाए। इतने में बच्चा जाकर चूल्हे में गिर पड़ा, जब गिर पड़ा थोड़ी देर बाद में पति का आँख खुली, बोले लाला कहाँ है, बोले लाला तो चूल्हे में गिर पड़ा, बोले तुमने बचाया नहीं, बोले आप मेरे जगह के ऊपर सर रखकर तो सो रहे थे, फिर आपका नींद खराब होता, बोले चलो चलो देखते हैं, जा करके देखा वो बच्चा आग को अंदर में किलकारी मारते हुए खेल रहा है, क्यों, इसकी पतिव्रता धर्म को देखकर का अग्नि देवता शांत हो गए, इतने पतिव्रता धर्म में इतने शक्ति है। कृष्ण बोला देखा, गोपियों ने बोले हम भी तुमको एक स्टोरी सुनाए, बोले सुनाओ क्या सुनाओ,
बोले एक समय दो पति पत्नी थे, अभी पति को कोई विशेष काम के लिए बाहर जाना पड़ा। पत्नी बोली तुम जाओगे तो खाना तो मैं तेरे लिए बनाती हूँ, सजा तो तेरे लिए सजाती हूँ, श्रृंगार तो मैं तेरे लिए करती हूँ, जो कुछ करती हूँ तेरे लिए, अगर तू चली जाओगे तो मैं क्या करूंगी। बोले नहीं, विशेष काम के लिए मेरे को जाना पड़ेगा। बोले मैं क्या करूंगी, बोले मैं अपना फटो दे जाता हूँ, जब तक नहीं आऊंगा फटो को पूजा करते रहना। अभी फटो को पत्नी पूजा कर रही थी और उस इतने में दरवाजा बंद था, पति ने आकर के दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाए, गोपियों ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण ये बताओ उसको पत्नी क्या करनी चाहिए। बोले भैया जब असली पति आ गया फिर फटो क्यों पूजा कर रहे हो। बोले आंसर मिल गया, इसलिए तूने गीता ने क्या बताया, बोले तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु को सखा तुमेव, तुमेव विद्यांग द्रविण तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव। तुमने गीता में ही बताया ना, जगत का पिता पति मैं हूँ, तुमने ही हमें बंसुरी बजा करके बुलाए, और बुला करके कहते तुम घर चले जाओ, जगतपति जगन्नाथ तू है ना। ये काम केवल अगर हम ठाकुर के लिए अगर कर सकते हैं ये सही, दूसरे के लिए करोगे तो ये सही नहीं, भगवान के लिए कर सकते हो ठाकुर। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजाजुर, तू सारे धर्मों को छोड़ करके तू मेरे शरण में आ जा है, जो समस्त पाप को मैं ग्रहण करता हूँ। कल भगवान कर सकते हैं, दूसरे के लिए प्रयोजन नहीं, कल भगवान कृष्ण के लिए लागू हो सकते हैं। इसलिए अभी गोपियों ने कहा देख श्याम सुंदर, तुमने जो सुंदर सुंदर हमें उपदेश दिया है, इसलिए तुम क्या हो गया। बोले जगत गुरु तुम हो, जगत गुरु तुम हो। इसलिए शास्त्र में कहता है प्रथमंत गुरु पूज्यम ततश्चैव ममार्जन, सबसे पहले गुरु जी की पूजा उसको बाद में भगवान की पूजा होनी चाहिए। और जगत गुरु जगतपति तुम हो, कृष्ण को बंदे जगत गुरु, इसलिए पहले तेरी पूजा करनी चाहिए। जब गोपियों ने इनके आंसर दिया ना, फिर भगवान कृष्ण खुश हो गए। खुश होकर के ठाकुर जी फिर गोपियों को साथ में ठाकुर जी रास रचाते हैं, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण है। जब प्रभु जी रास लीला कर रहे थे, जो एक आंख में काजल पहन करके आई थी ठाकुर जी दूसरे आंख में लगा दिए, जो आधा कपड़ा पहन करके आई थी ठाकुर जी उसको पूरे कपड़ा पहना दिए, जो नुपुर को गले में गले की हार प्यार में पहनी थी ठाकुर जी को सही सही ठाकुर जी श्रृंगार कर दिए। शिक्षा देते हैं अगर हमें कोई सही सही सजा सकता है ना, ठाकुर ही सजा सकते हैं, बाके बिहारी हमें श्रृंगार कर सकते हैं। जब रास लीला कर रहे थे, कभी कभी कृष्ण बोलते थे गुटिया थक गई हो थोड़ा प्यार दबा दू, जब पसीना निकल रहा था कृष्ण अपना कपड़े से पसीना को भी पोंछ रहे थे। देखो स्त्रियों में एक दुर्गुण भी है, क्या है दुर्गुण, अगर कोई पति पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करे ना तो वो पति का सर पर चढ़ बैठती। अभी गोपियों ने देखा था भैया हमारे बगल का कन्या को चलेगा नहीं, देखो कृष्ण हमें कितने प्रेम कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता था कृष्ण सब गोपियों के पास में भी है। अभी गोपियों के अंदर में सौभाग्यमत, सौभाग्यमत मतलब क्या है, बोले राधा रानी की जरूरत नहीं, राधा रानी के बगैर हम पूर्ण हैं। कृष्ण ने देखा ये तो राधा रानी को अनादर करने लग गए, जो राशेश्वरी श्रीमती श्री राधा रानी, बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी जब इनके अंदर में अभिमान आई, इतने में कृष्ण राधा रानी देखा कृष्ण मेरे पास में और कृष्ण सबको पास में, लेकिन गोपियां देख रही थी तभी कृष्ण मेरे पास में, इसलिए राधा रानी की मान को मनाने के लिए कृष्ण के बच्चों ए हरे कृष्ण चुपचाप बैठो सामने को इधर उधर नहीं आना, हाँ जाओ उनको तैयारी कर दो, जाओ जाओ तुम लोग तैयारी हो। इसलिए इतने में श्याम सुंदर वहीं से अंतर ध्यान हुए, और अंतर ध्यान होने पर इतने में श्री राधा रानी हैं, जब अंतर ध्यान कृष्ण हो गई, जैसे एक हाथी हस्तिनी को त्याग देने पर हस्तिनी एकदम बाबरी बन जाती है, गोपियां तो श्याम सुंदर को ढूंढने लग गए, कृष्ण लीला की अनुकरण करने लग गए, लता पता पेड़ पौधा को पूछ रहे थे,
हमारी श्याम सुंदर कहीं देखे हो, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहते। लेकिन जब उन्होंने पृथ्वी को ऊपर देखे, बोले हे पृथ्वी तुम तो सर्वत्र विद्यमान हो, तुम तो बता सकती हो कृष्ण कहाँ पर गए। हठात उन्होंने कृष्ण का चरण चिन्ह को देखी, देख करके पहचान गए ये कृष्ण का चरण चिन्ह है। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, देखा दोनों चरणों के बीच में एक छोटी सी चरण चिन्ह है कोई ईश्वर की। इतने में श्री सुखदेव गोस्वामी बोले भाई भैया यहाँ पर तो सबके सब गोपियां तो थी, लेकिन कृष्ण सबको छोड़ करके इसी गोपी को लेकर गए, इसलिए सबसे कृष्ण का जो प्यारी है ना यही है। कहते वो कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की। लेकिन और थोड़ी दूर गई ना, देखा वो भी चरण चिन्ह नहीं। बोले भैया वो कहाँ गया। दूसरे गोपी बोलिए तो हृदय में और भी पीड़ा देने वाली। बोले क्यों, बोले कृष्ण का चरण नीचे दबा हुआ। बोले कारण, बोले कृष्ण ने ये सखी को अपना गोद में उठा करके लेकर गए हैं, इसलिए इनकी चरण दबा हुआ है। ऐसे करते 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 जब चल रहे थे, कृष्ण तो राधा रानी को श्रृंगार कर रहे थे। श्रृंगार भट्ट में कृष्ण ने बोले देखो राधे चलो यहाँ से जल्दी हम चले जाते हैं, अगर दूसरे गोपी देख लेना वो भी मान करके बैठेंगे, महाराज नहीं हो सकता है। राधा रानी बोली मैं चल नहीं सकती हूँ, जैसे मेरे को उठा करके लाए थे ऐसे ले चलो। बोले क्या कंधे में बैठे, बोले बैठा लो। जो बैठने के लिए गई राधा, इतने में श्री कृष्ण भी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए, और वहीं पर श्री राधा रानी हाँ कृष्ण करते करते कृष्ण वहीं पर राधा रानी बेहोश हो जाती हैं। अरे गोपियां आकर उनको होश दिलाती हैं। बोले देखो कृष्ण को उनको भजन सबसे प्यारा, चलो हम जमुना किनारे में बैठ करके उनको भजन गाएंगे। वो भजन को कहते गोपी गीत है। हम लोग बहुत कुछ गीत गाते हैं, इसलिए घर में गाना है ना, आप लोग घर में गोपी गीत को गाओ। अगर ये गोपी गीत गाओगे ना कृष्ण कहीं रह ही नहीं सकते। जिस घर में गोपी गीत आप रोज गाओगे, आप लोग इधर उधर की बहुत कुछ स्तोत्र पढ़ते होंगे हैं, लेकिन आप जब गोपी गीत को गाओ, जिस जहाँ पर ये गोपी गीत कृष्ण वहीं पर आते हैं, और कृष्ण जहाँ पर समझो घर का सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे दुख I'm
चरण पकड़ ली, किसने उनको तांबुल मांग रही थी, कोई उनको गलवहनिया दी, लेकिन कुछ गोपी दूर से खड़ी होकर के देख रही थी। लेकिन एक गोपी तो बड़ा क्रोधित होकर के तिरछी कटाक्ष से कृष्ण को दर्शन कर रही थी, लेकिन कृष्ण का नजर और कोई नहीं उसी गोपी के ऊपर में। बोली वो गोपी कौन है? वो श्रीमती श्री राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इतने में गोपियों ने अपना चुंदरी को उतार करके आसन दे करके ठाकुर को बैठा है। गोपियों ने उनको तीन प्रश्न किए। बोले देखो प्रभु, जगत में तीन तरह के लोग होते हैं। बोले कौन कौन है? पहला नंबर है जो भजन करने पर भजन करता है, दूसरा नंबर करे नहीं करे तभी करता, तीसरा नंबर करे नहीं करे जिसका कोई मतलब नहीं। बताओ तीनों में तुम कौन हो? बोले गोपियां, पहला नंबर जो करने पर करते वो बढ़िया, जैसे 100 रुपया लेकर के दुकान में जाओ, 100 रुपया दो, 100 रुपया का माल ले लिया, वहां पर कोई प्रीति नहीं, प्रेम नहीं है, इसलिए पैसा लो और माल ले लो। दूसरा तरह के व्यक्ति कहते पिता और माता, करे नहीं करे तभी करते। देखना बच्चा भले ही जितने नालायक क्यों नहीं हो जाए, पिता माता क्या कहते हैं? भैया लाला मेरो, लाला लाला मेरो है, जो कुछ हो जाए। लेकिन पिता माता के जो हृदय है ना, तभी भी इनका ऋणी हम कभी नहीं चुका सकते, जो बच्चे के लिए जो पिता माता करते हैं। इसलिए देखो एक समय, देखो पिता माता की दिल कितना बड़ा है। एक समय कोई एक प्रेमिका किसी प्रेमिको को बोले, बोले देख तभी मैं तेरे को प्रेम करूंगी अगर तेरी मैया का दिल मेरे को ला कर दे दो। वो तो एकदम प्रेमिका के प्रेम में पागल था, वो गया और अपना मैया को मार कर ना उसका जो दिल था उसको लेकर आ गया। जब आ रहे था इतने में बीच में ठोकर खाकर गिर पड़ा तो मैया के दिल से आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है? बोले लाला कहीं चोट तो नहीं लग गया? मतलब कि जो माँ की जो हृदय है ना
इतने बड़ा हृदय जो मैया की हृदय कभी हम सोच नहीं सकते। इसलिए क्या करनी चाहिए, हर समय पिता माता का गुरुजनों को हर समय आदर करो, बड़ों को हर समय आदर दो, ठीक है ना। ठीक है, देखो एक समय अभी शादी हुई, दो पति पत्नी शादी हुई तो कभी कभी किसी कारण से सास से लड़ाई हो जाती, और सास बहू की लड़ाई तो बहुत पुरानी लड़ाई है। इसलिए जो सास है ना, बहू को कभी बहू नहीं माने, क्या माने बेटी माने, और जो बहू है ना सास को सास नहीं माने, माँ माने। अगर इतना हो जाए ना, बस तुम्हारे घर सुधर जाएगी, फिर घर में कोई कलह नहीं। ऐसे नहीं बहू आ गई सब ठोक दो उसको, करो है। इसलिए नौकरानी समझो, नहीं ऐसे नहीं करनी चाहिए। इसलिए बहू भी अपना सास को अपना माँ मान ली, बात सारे काम हो जाएगा। देखो एक समय क्या हुआ, अभी शादी हुई तो किसी कारण से घर में लड़ाई हो गई। पत्नी ने बोले, देख मैं तेरी माँ को साथ में नहीं रह सकती, मैं तो अपना पीहर जा रही हूँ। इतने में वो तो पीहर चली गई। इतने में जो बेटा था उसको सास उसका माँ को बोले, देख माँ मेरी बहू कहती है तेरे साथ में रह नहीं सकती है, तू मेरे को जन्म से अभी तक तुमने बड़ा बनाया है, इसलिए बहुत पैसा तुमने खर्चे की। बोले हाँ, बोले जन्म से अभी तक मेरे पीछे तुम जितने पैसा लगाया, तुम हिसाब करके दे, मैं तुमको सारे पैसा में डबल जितना किया मेरे को, मैं तुम डबल दे दूंगी। मैया ने बोले, देख बेटा मैं तो अनपढ़ हूँ, थोड़ी हिसाब किताब करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, इसलिए एक महीना लगेगा। बोले एक महीना, दो महीना ले ले, कोई बात नहीं, दो महीना ले ले। एक तीन क्या हुआ, ठंडी का समय था, जैसे अभी ठंडी बढ़ रही है, अभी बेटा सो रहा था, मैया ने क्या की, एक लोटे में पानी की ले करके ना, अभी ठंडा का समय में आपको पता होगा बोटी ले जाइए, है बोटी गद्दे के ऊपर सोते हैं। उसने क्या की, लोटे में पानी लाई और एक तरफ में डाल दी। जब डाल दी उसने करवट ले ली, मैया ने थोड़ी देर बाद में फिर दूसरे तरफ भी डाल दी, फिर दूसरे करवट ले ली, फिर तीसरे करवट डाल दी। इतने में नींद खुली, बोले क्या कर रहे हो, तुमको पता नहीं इतना ठंडी है, ठंडी के समय तुम पानी डाल रहे हो, मेरे नींद में तुम व्याघात कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। बोले बेटा तुमने बताया ना, जन्म से लेकर अभी तक मैंने तुमको बड़ी की, तू हिसाब मांग रहा था ना, इसलिए मैंने एक रात का हिसाब कर रहा था। कितना कर रहा था, एक रात का हिसाब मैं कर रहा था बेटा, जब तुम तेरे को लेकर गोद में सोता था कभी तो टाटी में साफ कर देता था, मैं क्या करती थी, गिली में सोकर तेरे को सूखे में सुलाती थी, पर रात भर तू रोता था, मैं कभी सो नहीं पाया है, कितने रात ऐसे बीत गया बिने सोए हुए, रात कितने बीत गई मेरी है, कितना बार मुंह की खाना निकाल करके मेरे तेरे को खाना खिलाया। अब लोग बच्चे को इंसान किए कि नहीं, आपको पता होगा जो माँ बने हो, इसलिए कहते तू एक रात का है, तुमने बोला जन्म से अभी तक केवल एक रात का मैं हिसाब किताब लगा रहा था, खैर उसको ज्ञान हो गया होगा। बोले सचमुच के माँ की जो ऋणी है ना कभी हम चुका नहीं सकते। फिर मैया की चरण में गिर पड़ी, बोले मैया मेरे अपराध हो गया, माफ कर दो। यहाँ शिक्षा देते हैं हर समय गुरुजन को आदर देनी चाहिए। इसलिए जो सास लोग भी ऐसे नहीं घर में बहू आ गई नौकरानी समझ, नहीं, हर समय उनको साथ में करने के चाहिए। सब कुछ उसको थोक दोगे फिर कैसे होगा, अपना बेटी जब आते हैं थोड़ी करते हैं। इसलिए अगर ऐसे कर लेना फिर घर नहीं वही अयोध्या बन जाएगा, वही राम राज्य वही बन जाएगी। इसलिए हर समय दूसरों को इज्जत दे करके हमें चलनी चाहिए। इसलिए बोले तीसरे तरह का जो होते हैं, कहते करे नहीं करे तभी कोई मतलब नहीं, कहते ये चार तरह के लोग होते हैं, आत्मा राम, आपका काम, गुरुद्रोही और अकृतज्ञ। बोले कृष्ण लगता है तो गुरुद्रोही अकृतज्ञ, तेरे प्रेम का गुरु कौन है, श्री राधा रानी तुम्हारी प्रेम को गुरु है, तुमने बंसरी बजा करके हमें बुलाए और बुला करके तुमने कहा छोड़ कर चले गए, क्यों तुम छोड़ कर गए हो। कृष्ण ने कहा देखो प्रेम की दो पहल हुए, एक विरह है और एक मिलन है। पास में रहने पर क्या होता है, सामने सामने तो देखते हैं लेकिन जो दूर रहते हैं ना, जैसे पति साल में 10 साल में एक बार आए ना, दिन भर पत्नी चिंता करती है कब आएंगे, अभी नहीं आए, अभी तक तो कोई फोन पत्र नहीं आया, हर समय उनको चिंतन में वो डूबी रहती है। इसलिए हे गोपियां
तुम लोग मेरे प्रति जो प्रेम है ना, ये दुनिया में वो प्रेम को दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने तुमको छोड़ा। तब तो मैं तुमको छोड़ा नहीं, बीच में बैठा था, और तुम लोग जो मेरे को उल्लाहना दे रही थी, वो उल्लाहना को मैं सुन रहा था। मैंने कहीं नहीं गए, हरे कृष्ण गोपियों को साथ में महाराज किया, सारे देवता लोग आ गए, ठाकुर जी महाराज कर रहे, जिसमें श्री भोले बाबा श्री गोपेश्वर महादेव बन करके श्री शंकर जी आते हैं। बोले श्री गोपेश्वर महादेव की, बोले श्री भोले बाबा की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ देखो कृष्ण कुमार टाइप हरे कृष्ण। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। देखो अभी भगवान कृष्ण, अभी इतने में नारद जी आए, बोले प्रभु जी आप तो ब्रज प्रेम में डूब गए हो, आप क्यों कहां से आए आपको पता ही नहीं चला। प्रभु जी अभी मथुरा जाना है, कंस को उद्धार करना, जरा संत को उद्धार करना, फिर उनको द्वारका में 16,100 पटरानियों से शादी करना, आप तो ब्रज लीला में डूब गए प्रभु, थोड़ी सी याद करो आप कौन क्यों आए हो। इतने में बोले बताओ क्या करनी चाहिए। बोले प्रभु जल्दी जल्दी मथुरा में चलो। नारद जी बोले प्लेटफॉर्म बना दो। बोले बना दो। नारद जी कंस को जाकर भड़का दिया, बोले तेरे को पता है कृष्ण कौन। बोले कौन। बोले ये जो आकाशवाणी हुई थी ना, अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा, ये देवकी के अष्टम गर्भ का संतान। बोले ऐसे कैसे हो गया। बोले वसुदेव ने बताया था सारे बच्चे तेरे को दे देगा, लेकिन उन्होंने रात क्या किया, छुपा करके कृष्ण को गोकुल में छोड़ करके आ गया। ये जो कृष्ण बलराम, ये नंद श्री वसुदेव का ही ये दो बेटे हैं, हैं? ये रातारात पहुंचा दिया वहां पर, फिर तो कंस को क्रोध आया, बोले अभी वसुदेव को मारता हूं। बोले देखो जोश में होश को मत खोया करो, जैसे तुम एक एक दैत्य को भेजा कृष्ण मारते रहे, अभी तेरे पास में तुम 8 भाई हो, तेरे पास में कुबलिया हाथी, चारों मुष्टिक साल तुसल, कृष्ण बलराम को बुलाओ और यहीं पर खत्म करो। बोले भैया गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता है। फिर उन्होंने अक्रूर को देकर कृष्ण बलराम को बुलाए। जब उन्होंने मथुरा में प्रवेश किया ना, कितने सुंदर मथुरापुरी, अद्भुत सुंदर मथुरापुरी, जिस गली में जाए बोले श्री कृष्ण बलराम की, जोर से बोलो बोले श्री कृष्ण बलराम की। इतने में कृष्ण को साथ में सखा लोग थे, बोले कन्हैया क्या तेरे को ये पहले से जानते हैं। बोले तुम्हें पता नहीं कंस मेरे खास मामा लगते हैं, तभी तो अपना रथ भेजे करके मेरे को बुलाए। बोले पहले तू क्यों बोल नहीं दिया। बोले क्यों, क्या बात है। बोले देखो कितने गंदे कपड़े हैं, और मथुरापुरी को देखो कितने सुंदर है। बोले क्या चाहते हो। बोले भैया चमकीले चमकीले थोड़ा कपड़े की व्यवस्था हो जाए। बोले आगे चलो। जब आगे गए ना, इतने में कंस के लिए एकदम सुंदर सुंदर कपड़े धोबी ले जा रहे थे। कृष्ण ने कहा भैया हमारे सखाओं के लिए थोड़ी सी कपड़ा की व्यवस्था कर दोगे। बोले गैया को पीछे पीछे डोलता है, वृंदावन में रहता है जंगल में, और ये महाराज कंस के लिए कपड़ा जा रहा है, ये कपड़े पहनने का शौक, ज्यादा बोलोगे ना कंस जिस काम के लिए बुलाया वो काम में कर दूंगा। बोले भैया ये तो जाता ही बोल रहा है। कृष्ण एक थप्पड़ मारे ना, एकदम शरीर से सरी अलग हो गया। बोले भैया क्या हाथ में कोई अस्त्र पीट करके रखा, एक थप्पड़ मारा तो सरी अलग हो गया। बोले वही वही घासुर बकासुर को मारने वाले, वही कालिया को दमन करने वाले, भागो। सारे कपड़ा फेंके और वहां से भाग गए। कृष्ण ने कहा सखा उठा लो अपना मन मर्जी वस्त्र को, लेकिन वो कंस के लिए कपड़ा था, और ये तो सखा लोग छोटे छोटे जब कपड़े पहने करके चलने लगे ना, रोड साफ होना शुरू हो गया है। बोले कन्हैया ये अच्छा नहीं लग रहा है। बोले आगे चलो, एक दर्जी मिले। बोले भैया मेरे सखाओं का कपड़ा थोड़ा ठीक ठाक कर दोगे। उसको पास में बहुत सारे दर्जी थे, तब उन्होंने सारे कपड़ा को ठीक ठीक एकदम तो साइज की
बना दिए। कृष्ण खुश हो गए, बोले बेटा खूब फलते फूलते रहो। देखो अभी भी दर्जी लोग फलते फूलते, एक कपड़ा के लिए सिलाई करने के लिए जाओ ना 200-400-500 रुपया से कम नहीं लेंगे, हैं? क्योंकि ठाकुर का आशीर्वाद इनको करे ना। बोले कन्हैया सब कुछ हो गई, थोड़ी माला की व्यवस्था हो जाए। बोले आगे चलो, सुदामा माली को बोले भैया हमारे सखाओं को थोड़ा माला पहना दोगे? सब सखाओं को बड़े सुंदर पहना दिया, भगवान उन्हें भी कृपा की। बोले कन्हैया सब तो हो गया, लेकिन एक चीज की कसर रह गई। बोले किस चीज की? बोले तिलक थोड़ा लग जाए। देखो यहाँ पर भगवान को सखा लोग खुद कहते जब तक तिलक नहीं होना, हमारे शास्त्र में बताया जिनकी ललाट में तिलक नहीं वो शमशान है, वो शमशान भूमि है, हैं? इसलिए भगवान कृष्ण को देखो तिलक, भगवान राम को देखो तिलक, नारायण को देखे हो? कौन कौन देखे नारायण को? हाथों का देखना, उनका पूरा मुंह आधा उनके तिलक में भरा हुआ। देखो भी हनुमान जी को देखे हो? कौन कौन देखे हो? देखना हनुमान जी का तिलक। गणेश जी के देखे हो? उनके भी देखे को तिलक। 33 करोड़ देवता में किसी को भी देख लोगे, तिलक के बगैर ठाकुर भी नहीं रहते, तिलक के बगैर ठाकुर भी तिलक के बगैर नहीं रहते हैं। इसलिए सबको तिलक लगानी चाहिए। कैसे तिलक? ऐसे तिलक, ऐसे नहीं एक फोटा लगा दिया, बूंद नहीं, बूंद लगा तो घूमते रहोगे संसार में। इसलिए तिलक ऐसे नहीं है। अब भगवान देखो तिलक कैसे, खड़े तिलक लगा, ठीक है ना? ये गोपियों की चरण धूलि, नारद जी ये ब्रज रज को उन्होंने कहां से, वृंदावन से लेकर द्वारका गए, और वहीं पर स्वयं बांके बिहारी स्नान की उनका सर दर्द बुखार सही हुई, इसलिए वहीं से ये ब्रज रज आता है, हैं? देखो हमारे शरीर में 12 अंग में तिलक लगाते हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 12 अंग में, ये ठाकुर का 12 नाम है। मानो भगवान तिलक रूप में ठाकुर जी हमारे शरीर में निवास है। ठाकुर जी की अगर तिलक लगाकर कहीं बाहर जाओगे ना, तुम्हारे शरीर में भूत विशाच डाकिन साकिन कोई भी तुम्हारी अंग में शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। बड़ा महत्व ये तिलक लगाने का, ठीक है ना? सबके सब तिलक लगाना। कैसे तिलक? खड़े तिलक, ऊर्ध्व पुंडर, मतलब जो भगवान तक ले जाए, जो हमें ठाकुर जी तक ले जाए। देखो अगर शर्म लगता है, अगर शर्म लगता है थोड़ी सी पतला करके लगाओ, थोड़ी सी पतली करके ये तिलक लगाओ पहले, ठीक है ना? इसलिए आज एक व्यक्ति आए थे, आज किसको घर में प्रोग्राम के लिए गए थे, ये माता जी घर में एक आए थे बड़ौत में, एक सीए, वो छोटे मोटे सीए नहीं बहुत बड़े सीए हैं, जिस बात 15-20 लड़के काम करते हैं। देखो ये तिलक की महत्व, देखो ये तिलक लगाया करते थे ऐसे। अभी किसी कारण से उन्होंने जो फाइल बनाया था थोड़ी इसमें की कोई गड़बड़ी हो गई, जो बड़ा ऑफिसर ने वकील को बोला इसको किसने बनाया, बोले अमुक व्यक्ति, बोले उसको बुलाओ, कुछ उसमें गड़बड़ी दिख रहा है। जब ये गए, लेकिन ये तो तिलक लगा कर रखे थे, ये तिलक लगाते हैं बड़ा ऑफिसर है, और गले में कंठी थी उसकी। जब वो ऑफिस में गए, उसने नीचे से ऊपर तक देखा, देखा उन्होंने तिलक लगाया, गले में तुलसी कटी, बोले इन्होंने फाइलें बनाई, बोले हाँ, बोले भैया तू जा, तू जा, बोले क्यों? बोले ये तिलक लगाए भक्ति करता है, ये कभी जानबूझ कर कभी गड़बड़ी कर ही नहीं सकता है। हमारे बड़े गुरु जी के एक शिष्य है, वो फरीदाबाद में, वो डॉक्टर है फरीदाबाद में, वो डॉक्टर है, वो जो ऑफिस में बैठता है ना, तिलक गला में कंठी लगा कर, तुम सोच नहीं सकते इतने लोग उसको पास में, लोग का भीड़ लगी रहती है, आस पास में भी क्लिनिक है, वो मक्खी मारते रहते, कोई नहीं जाते, क्यों? इनके ऊपर इतने विश्वास लोगों का, कभी किसी धोखे नहीं देते, जो बीमारी वही बीमारी बता करके, कम से कम पैसा में तुम्हारी कैसे बीमारी सही होगा वो बताते। लेकिन दूसरे जो डॉक्टर छोटी रोग को बड़ा बना करके, क्योंकि उनको पता है ना वहां से वहां, वहां से भाई पैसा मिलेगा, लेकिन उसको पास में इतने लोग, अगर कहीं बाहर जाता है ना, उनको दो बेटी विदेश में शादी की, अगर विदेश में जाएगा तो जब तक नहीं आएगा उसका जो जो मरीज है वो कहीं नहीं जाएगी, पता है भैया ये आदमी कभी हमें धोखे नहीं देगा। इसलिए आप कोई भी काम करो तिलक, जैसे आप तो हिंदू लोग हैं, जैसे कोई बिजनेस के लिए कोई जाता है क्या करते हैं, तिलक लगा कर भेजते, बेटिया तेरी काम बन जाए, ठीक है ना? सबके सब क्या करना है बताओ, क्या करोगे? फोटा नहीं, खड़े तिलक, खड़े हल्का करके लगाओ, जैसे हल्का करके लगाओ, इतना गहरा नहीं लगाओ, दिखे नहीं भले, लेकिन हल्का करके लगाओ। कहते ये तिलक जो दर्शन करते हैं, पुराण कहता है उसको शरीर में गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी लक्ष्मी दुर्गा राधा गीता सब उसको शरीर में निवास करते हैं, और उसको शरीर में कोई भूत पिशाच उसको शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। तिलक लगा कर कहीं भी तुम्हारी मृत्यु हो गई ना, कहीं भी मृत्यु हो गई तुम्हारी,
कभी सीधा भगवान को पास में जाओ। हैं, इसलिए पहले हर व्यक्ति तिलक लगाया करते थे, अभी धीरे धीरे हमारी संस्कृति नष्ट होते जा रही है। हम लोग वृंदावन गए हो, कौन कौन वृंदावन गए, हाथ उठाओ। तो आप देखना वहां पर इस्कॉन मंदिर है, वहां पर इस्कॉन मंदिर में कभी जाकर देखना, देखना अंग्रेज लोगों को देखना, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका से आए, देखोगे सबके सब तिलक लगाए, तो सबके सब ये तिलक लगाते हैं। इसलिए तिलक की बड़ी महत्व है। इसलिए सखा लोग कह रहे हैं, बोले कन्हैया सब तो हो गया, लेकिन हम थोड़ा तिलक की कसर रह गई। बोले आगे चलो, ये कुब जा, ये कंस को तिलक लगाया करता था, ये कंस ही तिलक लगाता था, उसको सजाया करता था। इतने में कुब्जा ने भगवान को बड़ी सुंदर तिलक की श्रृंगार कर दी। सखा ने कहा, कन्हैया तू तो केवल ले रहे हो, तू तो देना सीखा नहीं। बोले क्यों? बोले देखो कैसे ये कुबड़ी है तीन जगह से, बोले इसको थोड़ा ठीक कर दो ना। बोले भैया मैं भी टेढ़ा हूँ, ये भी टेढ़ी है, हैं? टेढ़ा टेढ़ी तो बराबर है। बोले कन्हैया सीधा कर दो। इतने में कृष्ण एक चरण में चरण रखे, थोड़ी पर हाथ, पीठ में हाथ रख करके एक झटका दिए ना, पूरा सीधा हो गई, इतनी सुंदरी हो गई, अपना रूप को देख करके काम को संभाल नहीं सकी। उसने कृष्ण का दुपट्टा पकड़ लिया, बोले प्रभु ये रूप आप ही दिए हो, आप ही उसको भोग कर सकते हो। कृष्ण ने कहा, तेरे को शर्म नहीं लग रहा है? यहाँ पर दाऊ भैया जेठ खड़े हुए, तू कपड़े पकड़ कर खींच रहे हो, और शर्म तथा किया कर, जब मैं कंस को मार करके आऊंगा ना तेरे, हाँ तेरे घर में आऊंगा। इसलिए भगवान आगे गए, आगे जा करके ठाकुर जी वहां पर धनुष रखा हुआ था, हैं? इतने बड़े धनुष था, कभी ये इतना बड़ा धनुष था परशुराम का, जिसको 400 व्यक्ति उठाते थे, वहां पर बड़े बड़े पहलवान थे। कृष्ण ने कहा, दाऊ भैया थोड़ा धनुष उठा करके देख लो, लोग तो हंसी उड़ा रहे थे, जिसको 400 व्यक्ति उठाता है ये बोले उठेगा। इतने में कृष्ण छलांग लगाए, जैसे भगवान राम ने सीप धनुष तोड़े थे, ऐसे ही कृष्ण पकड़ करके प्रतंत्र चढ़ाने के लिए गए, धनुष दो, और ये कंस को पता चलते ही हैं, परशुराम ने कहा, देखो ये धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ेगा तेरे को छोड़ नहीं सकता। बोले भैया परशुराम सही बोल रहे थे। दूसरे दिन रंगशाला में गए, और देखते देखते कृष्ण बलराम उन्होंने चारों मुष्टि को धराशायी कर दिए, और कंस को ऊपर में छलांग लगा कर गए। बोले तुमने मेरी मैया की चोटी पकड़ा था ना, उनको चोटी पकड़ कर झटका मारे तो नीचे गिरा दिए, और नीचे गिरते गिरते कंस का राम नाम सत्य हो गया। इसलिए जरासंध, उनकी दो पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति, उन्होंने 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 सिखाई थी कि जरासंध को, उसने 70 बार उन्होंने मथुरा के ऊपर आक्रमण की, लेकिन भगवान पकड़ करके छोड़ देते थे, लेकिन 8 बार में ठाकुर जी रण छोड़ कर चले गए। इसलिए ठाकुर का एक नाम क्या हो गया, क्या हो गया, जोर से बोलो, इनका नाम हो गया रण छोड़ हो गया। बोले श्री रण छोड़ भगवान की जय। हाँ देखो, कृष्ण रुक्मिणी की शादी होगी, आज अंतिम कथा है, आपको कुछ अंतिम उपदेश दे करके हम कथा को विश्राम देना चाह रहे, ठीक है? कितना दिन तक कथा सुने, जोर से बोलो। नियम है, कथा से कुछ लो और कुछ दो, क्या करोगे, कुछ लोगे क्या दोगे? भैया ले किया और दे किया, बोले जितनी गंदी चीज वो दे जाओ। बोले ले करके किया जाओगे, बोले प्रभु का प्रेम, प्रभु की प्रेम और भक्ति लेकर के जाओ। अभी ध्यान देकर सुनो, लेना क्या और देना क्या, बोले चार ही गंदी चीज को छोड़ दो। बोले चार ही गंदी चीज क्या है, पहला नंबर में जुआ नहीं खेलनी चाहिए, अपना पतियों को भी जुआ खेलने कभी नहीं देना। इसलिए युधिष्ठिर महाराज शिक्षा दिया, देखो मैं धर्मराज हूँ, लेकिन ये जुआ खेल करके मेरे कितने सत्यानाश हुई, राज्य गया, भाई गए, भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हमने देखा, और 12 साल तक जंगल में रहे, 1 साल विराट का राज्य में नौकरी की। अगर जो व्यक्ति, ए बच्चे हरे कृष्णा, ये बच्चे बच्चों को बोलो खेलना नहीं, कोई बात मत करो बच्चों, ए बच्चों बात मत करो, चुप रहो सबके सब, बात नहीं करना, दूर जाओ, खेलना तो दूर चले जाओ, दूर में चले जाओ। इसलिए इन्होंने सिखा दिया, कभी जुआ मत खेला करो, जुआ खेलने से धर्म का पहला चरण है ये सत्य नष्ट हो जाता है। देखना जो जुआ खेलेगा ना, कभी सच सच बोलेगा नहीं, हैं? वो झूठ झूठ को बड़े झूठ बोलता है, धर्म का पहला चरण खत्म। दूसरा नंबर है, किसी तरह का नस्ली वस्तु मत लिया करो,
नस्ली वस्तु में पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, ये चीजों को मत लिया करो। हैं, पहले मैं बताया ना, शराब पीने पर 3 लाभ है। कितना लाभ है, क्या क्या बोलो तो जोर से बोला। पहला नंबर में क्या है? पहला नंबर में वो बूढ़ा नहीं बनेगा। बोलो भैया बूढ़ा कब बनेगा? जिंदा रहे तभी तो बूढ़ा बनेगा ना। पी पा करके आधा उम्र में तो खत्म हो जाएगी, हैं? आधा उम्र में खत्म हो जाएगी, बोलो जिंदा तो रहेगा ना, बूढ़ा कहाँ से बनेगा। इसलिए दूसरे नंबर में कहते चोरी नहीं होगी। बोले चोरी कब होगा? घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी ना, वो तो सब बेच बाच कर पी पा कर खत्म कर देगा। इसलिए कभी भी अपना घर में ये बच्चों को बुरे आदत मत डालाया करो, हैं? देखो अभी मैं घड़ी से आया हूँ, घड़ी से एक माता जी घर मेरे पास में आए, बोले बाबा हम तो बहुत दुखी है। बोले क्यों? बोले मैं कदमे शादी से मैं कभी सुखी में नहीं रहा। बोले किस लिए? बोले जब घर में शादी हुई देखा मेरे पति शराब पीते थे, जिंदगी भर दुख दुख में बिताया, बड़े कष्ट करके बच्चों को मैंने पाला। लेकिन जब बच्चे थोड़ी सी बड़े हो गए ना और पिताजी पी करके आता है, सोचा पिता जब पीते हैं चल बढ़िया कोई चीज होगा, वो भी पीना शुरू कर दिया। और दोनों जब पी कर घर में आ जाते हैं इतने क्लेश, इतने लड़ाई करते हैं, फिर बाबा इच्छा करता है कोई सुइसाइड करते हैं उनके बीच। इसलिए आप लोग भी कोशिश करना जैसे बच्चे को अंदर में कोई बुरी आदत नहीं पड़े, कभी बुरी गंदी आदत नहीं पड़े। और पतियों को भी मना करना ऐसे कोई काम मत करो जो बच्चों को मन में कोई गंदे असर पड़े, क्योंकि पिता माता सबसे पहला गुरु पिता माता, इनसे ही बच्चा सीखेगा। इसलिए पिता माता को हर समय सावधान रहनी चाहिए, कभी भी गलत रास्ता पर हमें नहीं चलनी चाहिए, ठीक है ना? इसलिए और तीसरा लाभ, कुत्ते दोस्त बनेंगे। बोले मतलब क्या? कहीं पी पा करके पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर मुंह चाट के जाएगा। इसलिए ये सब गंदी चीज से दूर रहनी चाहिए। लेकिन अभी दुनिया ऐसे हो गया ना, जैसे तुम्हारी शादी हो रही है, बच्चे का सालग्रह, कोई शादी का सालग्रह भराओ ना, जब तक इसको शराब और मांस मत दो। बोले भैया ये कौन सा शादी है, तुमने शराब नहीं पिलाया मांस? देखो एक संत कह रहे थे, हमारे भारत में सबसे बड़े संत ने कहा, वो कह रहे थे जिस बच्चे का बर्थडे में, जिस शादी में तुमने इतने बोतलों तुड़वाया और इतने जीव को तुमने हिंसा की, कभी वो विवाह तुम्हारी सक्सेसफुल होगी ना, बच्चे का कभी कल्याण होगा। वो कहते थे अगर बच्चे 100 साल का होगा ना, उसी दिन बच्चा 50 साल में उतर करके आएगा। वो संत बहुत बड़े संत कहते थे, क्योंकि जिस बच्चे के उद्देश्य में तुमने इतने बोतलों तुमने तुड़वाया, बोतला तुड़ना जानते हो कि नहीं है, इसलिए तुमने शराब पिलाया और जानवर को तुमने मरवाया। इसलिए ऐसे कोई गंदा काम मत करो, उसका सारे असर तुम्हारे ऊपर में बच्चों के ऊपर पड़ेगी। इसलिए हैं, इसलिए शुद्ध रूप में रसोई बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, भोग लगा करके सबको खिलाओ, ठाकुर का प्रसाद पाएंगे तो बच्चा का भी कल्याण होगा और दुनिया भी। और जैसे हम लोग केक कटवाते हैं बच्चे का बर्थडे में, ये हमारी संस्कृति नहीं, हमारी संस्कृति है भगवान का कीर्तन करो। वरना पहले तो यही करते थे ना, माताएं ढोली के मजीरा लेकर के कोई भी तिथि में घर में कीर्तन होती थी। इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, जिसके उद्देश्य में सब कीर्तन भक्ति होगा वो घर का सारे अमंगल दूर हो जाएगी, है सारे अमंगल दूर हो जाएगी। इसलिए ये गंदे काम से दूर रहने के लिए कोशिश करो और बच्चों को भी यही शिक्षा दो। देखो बच्चे तभी ये सब शिक्षा को प्राप्त करेंगे जब भक्तों को साथ में जुड़ेंगे। देखो इस चीज को कान पकड़ सुन लो अच्छे तरह से, आपको तो बुरा लगेगी लेकिन सुन लो, जब तक हम भक्तों को साथ में नहीं जुड़ेंगे हमारा घर कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। जब भक्त संतों को साथ में जुड़ेंगे, अगर कभी गलत काम में फंस गए वो भी धीरे 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 सही हो जाएंगे, क्योंकि हम भक्तों के साथ में उठते हैं बैठते हैं, उनके साथ में हमारे चलना फिरना उनके साथ में। अगर किसी जुआरी को साथ में बैठोगे, किसी भंगड़ी गंजड़ी शराब को साथ में बैठोगे क्या होगे? फिर वही काम करोगे। अगर किसी भक्तों को साथ में बैठोगे क्या होगा? फिर भगवान की भक्ति करोगे ना। इसलिए गंजड़ी भंगड़ी उल्टा पुलटा स्त्रियों के साथ में भी आपको नहीं बैठनी चाहिए और पुरुष लोगों को भी नहीं बैठनी चाहिए। और देखो यहाँ पर जैसे थोड़ी बहुत भक्ति है, ये विशाखा दीदी वजह से जो दीदी आई है, क्यों? ये हमारी बड़ी गुरु जी की शिष्या है। इसलिए यहाँ पर जो थोड़ी बहुत कंठी माला तिलक देख रहे हो, इसने यहाँ पर आकर के धीरे धीरे उसने प्रचार की और कुछ घर को उन्होंने परिवर्तन दिलाए, बच्चों के अंदर में भी कुछ परिवर्तन आई है, ठीक है ना? इसलिए अगर आप चाहते हो तुम्हारी घर वृंदावन धाम बने, तुम्हारे घर में शांति सुख हो, क्या करो?
यहाँ पर जितने माताएं हैं ना, ये विशाखा दीदी कब कब क्लास देती हो? खड़े हो जा, जोर से उठा खड़े, कब कब क्लास देती हो? माता जी रोज 11:30 बजे क्लास देती है। अगर आप लोग रोज नहीं आ सकती हो, लेकिन कम से कम कोशिश करो सप्ताह में एक बार आओ, सप्ताह में एक बार, जैसे संडे है सप्ताह में संडे को कम से कम 11 बजे आओ, थोड़ी सी बैठो, कीर्तन करो, कभी कभी घर में भी कभी ले जाओ, थोड़ी कीर्तन घर में हो, ऐसे काम कर लो, जैसे हर संडे को खड़े रहो, इसलिए हर संडे को घर घर में हर संडे को कीर्तन करवा लो, हैं? जिस घर में कीर्तन होना, ठाकुर का नाम हो, देखना घर का दुख कष्ट दूर हो जाए, घर में शांति सुख आएगी, पैसा की जरूरत नहीं, कोई पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं, बिना पैसा की ये सब चीजें होगी, बिना पैसा की जाएंगे सबके सब बैठना, थोड़ी सी हरि कीर्तन करो, थोड़ी सी कथा सुना देगी, बच्चे भी अच्छे बनेंगे, आपका पति भी अच्छे बनेंगे, घर में कोई गंदी चीज नहीं आएगी, तुम्हारी जिस घर में बच्चे भजन करें, घर में प्रभु का भक्ति पूजा पाठ हो, वही वृंदावन बन जाएगी, ठीक है ना? सबके सब कोशिश करना, सबके सब जोड़ो, सबके सब देखो, मैं कथा करके चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर विशाखा दीदी रहेगी, यही दीदी यही पर रहेगी, फिर आप अगर इनको साथ में जुड़ोगे ना, देखना इनकी रंग धीरे धीरे आपको ऊपर में भी चढ़ेगी, जैसे यहाँ पर कुछ माताओं को ऊपर रंग चढ़ाए, तिलक लगाती है, गले में कंठी, उनके छोटे छोटे बच्चे भी माला करते हैं, छोटी छोटी बच्ची भी हरिनाम करती है, भजन करती है, ठीक है ना? इसलिए सबके सब। और एक जैव धर्म, क्या जैव धर्म बोलो तो एक जैव धर्म ग्रंथ है, इसमें सारे ग्रंथों का सार है, अगर एक ग्रंथ आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको कुछ समझने की, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको सब समझ आएगा, क्योंकि भक्ति सिर्फ अंधविश्वास नहीं है कि किसी ने कह दिया और आपने आज करना शुरू कर दिया और फिर आपको लगा रहे मैंने तो गलती से कर दिया ये तो फिर छूट जाए, नहीं, भक्ति समझ के करने की चीज है, जब आप खुद से समझ के करोगे ना तो उसको कभी नहीं छोड़ोगे, इसलिए समझ के करना भक्ति, तो भक्ति समझने के लिए जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, हमें किसी ने ABCD सिखाई, ए आ सिखाया तो आज हम लिख पढ़ सक रहे हैं, हम बात कर पा रहे हैं, उसी तरह भक्ति की भी हमें शिक्षा लेनी पड़ेगी, अपने आप से भक्ति नहीं आ सकती, नहीं समझ आ सकती, तो इस तरह से हमारे मठ से एक जैव धर्म की क्लास ऑर्गेनाइज की जा रही है, जो पूरे साल में पूरा होगा ग्रंथ, एक ग्रंथ को पूरा एक साल में सिखाएंगे, हफ्ते में 2 दिन क्लास होंगी, वो आपके लैपटॉप पे या उससे मोबाइल फोन से आप देख सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्लास होगी, तो उसकी फीस है, फीस हम लोगों ने इसलिए रखी है क्योंकि जब हमारे पैसा कहीं जाया होता है ना तो हम उसको बहुत सावधानी पूर्वक देखते हैं, अगर वो फ्री में बांट देते ना, शिक्षा देना कोई पैसा लेने की बात नहीं है, फ्री में भी दे सकते हैं हम लोग, परंतु हम इतने बद्ध जीव हैं कि फ्री की चीज को हम उसका महत्व नहीं जानते, हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, 2 क्लास मिस हो गई तो क्या मेरा क्या जा रहा है, और 4 दिन बाद 4 हफ्ते बाद सुन लूंगी, पर वो 2 जो छूट गई वो दोबारा सीखने में मुश्किल आएगी, इसलिए हम लोगों ने उसकी फीस रखी है 1000 रुपया, पूरे साल की फीस 1000 रुपया, तो जो जो बच्चे इसे सीखना चाहते हैं भक्ति क्या है वो मुझे अपना नाम दे जाना, ये क्लास अभी दिसंबर के एंड में ही शुरू होने वाली है और पूरा साल में हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी, कॉन्फ्रेंसिंग से कैसे वो आपको समझा दिया जाएगा कि कौन से चैनल पे आएगा क्या है वो सब आपको सिखाया जाएगा, जो जो बच्चे भक्ति सीखना चाहते हैं वो मुझे अपना नाम जरूर देके जाना, अगर कोई पैसा नहीं दे सके कोई बात नहीं, लेकिन आप सीखो, ऐसे नहीं पैसा देना ही पड़ेगा, जो नहीं दे सकते है, जो समर्थ नहीं, कोई जरूरत नहीं पैसा देने की, है कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप उसको जरूर सीखो, उसमें बहुत अच्छी अच्छी जैव धर्म, मतलब है जीव का असली धर्म क्या है, हमारे वेद में क्या बताया, रामायण में क्या बताया, गीता में क्या बताया, ये सब चीज को बहुत अच्छे तरह से उस चीज को हम समझाएंगे, फिर हमारी जो सनातन धर्म है इसको विषय को पर हम जान सकते हैं, इसलिए जिसके पास पैसा नहीं, कोई जरूरत नहीं पैसा देने का, है जिसको पास में है आप दे सकते हो,
लेकिन जिस बात से नहीं है कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये क्लास केवल आप लोग सुनो, केवल उसमें अटेंड करो, ठीक है। ब्रसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। देखो और पहला नंबर क्या, किसी तरह का नस्ली वस्तु मत लिया करो। देखो और एक चीज समझो, नस्ली वस्तु में ये चाय भी गंदी चीज है। क्या है, क्या है, जोर से बोलो। आप बोलोगे भैया चाय में क्या दोष है, ये चाय में क्या दोष। देखो ये चीज को समझ लो, पियो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज को समझ लो, चाय में क्या गंदी चीज है। चाय पत्ते में कोई दोष नहीं है, चाय पत्ते में कोई दोष नहीं, उसमें एक निकोटीन एक कफिन डालते हैं। पहले हमारे भारत में बड़े बूढ़ों को पूछ लो, कोई भी चाय नहीं पीते थे, भारत में कोई नहीं चाय, दूध पीते थे, दही खाते थे, हैं अच्छी अच्छी चीजें लेते थे। लेकिन ये अंग्रेजी ने क्या किया, हमें अपना गुलाम बना, ध्यान देकर सुना, ये हमें अपना गुलाम बनाने के लिए और अपना बिजनेस को चलाने के लिए, बड़े बूढ़ों को पूछ लो, पहले ये अंग्रेजी लोग स्वयं चाय बना करके हम पिलाना शुरू किया। बोले जो एक कप चाय पिएगा उसको एक रुपया मिलेगा, कितना मिलेगा, उसी समय एक रुपया की बड़ा कीमत था। हमने सोचा भैया एक रुपया और एक कप चाय मिलेगा, बोले दो दो दो, हम तो देखू बने, हम पता नहीं लुटेंगे बाद में। कुछ दिन बाद में बोले नहीं देखो 50 पैसा मिलेगा, बोले कोई बात नहीं 50 पैसा की उस समय कीमत था, बोले 50 पैसा दो एक कप। कुछ दिन बाद में बोले भैया कोई पैसा वैसा तुमको नहीं मिलेगा, जब हमें नशा चढ़ गई ना, बोले कोई पैसा नहीं मिलेगा, नशा तो चढ़ गई पिए, कुछ दिन बाद में बोले 50 पैसा दे। देखना जो व्यक्ति शराब पीते हैं, शराब पीने का समय आ जाए अगर नहीं पिए तो उसको कैसे लगता है, बेचैनी सी उसके अंदर में बेचैनी सी आते हैं। जैसे चाय पीते हो, चाय पी का समय आ गया, अपने चाय मत पियो, कैसे लगेगा आपको बताओ, आप लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, बोलो जोर से। हाँ क्यों, उसमें एक निकोटीन पॉइजन डाला हुआ नस्ली वस्तु, वो अपना अंग्रेजी लोग अपना बिजनेस चलाना चाह रहे थे, इस चीज को समझो, वो अपना बिजनेस को चलाना चाह रहे थे, हमारा बिजनेस चल जाए, इसलिए उसमें निकोटीन जहर डाल दिए। जैसे शराब होता है ना, जो शराब पीता है, शराब पीने का समय आ जाए अगर नहीं पिएगा ना, उसका अंदर बेचैनी से आने लग जाए, जब तक नहीं पिएगा चैन नहीं पड़ेगी उसको। बाद में क्या बोले, बोले एक रुपया दो, हमने एक रुपया दिया, कुछ दिन बाद में बोले दो रुपया दो, फिर दो रुपया दिए, कुछ दिन बाद में बोले पांच रुपया दो, ध्यान देकर सुना, कुछ दिन बाद में बोले पांच रुपया दो, बोले लो अभी कितना रुपया हो गया, बोले जोर से। देखो हमें इतनी सी चाय दिए और ठग करके ये हमसे 10 रुपया लूट रहे हैं, ये 10 रुपया हमसे लूट रहे हैं, इतनी सी चाय। आप बताओ 10 रुपया में कितना दूध मिलेगा, बोलो एक गिलास दूध मिलेगा, एक गिलास दूध में 10 रुपये मिलेगा, लेकिन हमें 1 रुपया में 10 रुपया दूध नहीं पी करके, हेल्थ के लिए जो अच्छे नहीं पी करके, इतनी सी चाय और 10 रुपया से हम पी रहे हैं और इन लोगों को हमें ठग लिया और अपना बिजनेस चला दिया। अगर परिवार में आप 10 रुपया में घर में खाना बनाओ ना, रोटी सब्जी दाल बन जाएगी, बन जाएगी नहीं, 10 रुपया में पेट तुम्हारी भर जाएगी, लेकिन 10 रुपया में हम पेट नहीं भर करके, हरे बोल, इतने से चाय लेकर खत्म कर देते हैं। कोशिश करना एक हर्बल टी, गोकुल टी है जो हेल्थ के लिए अच्छा है, कोशिश करना वो चीज को ग्रहण करने के लिए और ये गंदी चीज को छोड़ने के लिए कोशिश करना, ठीक है। और जो तीसरे जो चीज है, कहते हमें जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। जीव हिंसा में जैसे मांस है, मछली है, लगता है आप लोग तो कोई खाते नहीं है, आप लोग कोई खाते है ना मांस मछली, क्या कोई खाते हो, हाँ ये चीज को नहीं खानी चाहिए, मांस मछली नहीं खानी चाहिए। और अंडा भी धीरे धीरे ना, ये अंडा को भी सब लोग खाना शुरू कर दिए, ये अंडा भी नहीं खानी चाहिए। अब महाभारत को पढ़कर देखना, जब युद्ध हुई कुरु पांडव में, जब गांधारी के 100 बेटे मर गए, उन्हें कृष्ण के पास में गए, बोले प्रभु मेरे 100 बेटे क्यों मरे, तब उन्होंने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, पूर्व जन्म में कहीं तुम जंगल में गया था, भूख लगा किसी पेड़ में चढ़े, उसमें घोंसला थी चिड़ियाओं की, तुमने 100 अंडे खाए थे, एक एक अंडा नहीं एक एक बच्चा है, एक एक उसमें बच्चा है, इसलिए तुमको 100 बेटों का मृत्यु देखना पड़ा। ये कृष्ण गांधारी को ये बात समझा रहे हैं, इसलिए अंडा भी घर में नहीं घुसाओ और प्याज लहसुन भी नहीं घुसानी चाहिए। पहले मैंने बताया था आपको, जो प्याज लहसुन है ये प्याज गया की ये मांस से बना हुआ है, लहसुन गया की हड्डी से बनी है,
और मसूर डाल गैया की खून की बूंद से गिरी है। इसलिए आप लोग नवरात्रि रखते हैं ना, नवरात्रि में कोई खाते हो ये सब चीज को? क्यों नहीं खाते हो? कारण है इसकी सृष्टि गंदी चीज से। मैया नाराज होगी तब तो नहीं खाते हो क्या? मैया को 9 दिन के लिए खुश रखो, उसको बाद में खा करके फिर नाराज कर दो। इसलिए 9 दिन तक वो दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा। इसलिए ये चीज को कोशिश करना, इसको त्याग दे करके शुद्ध रूप में। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, अरे प्याज के बगैर तो खाना में स्वाद नहीं आता है। खाने में ध्यान देकर सुना, खाने में स्वाद नहीं, नहीं ऐसे नहीं। देखे दाल का एक स्वाद, हर सब्जी का एक एक स्वाद, जब उसमें प्याज लहसुन डालो ना सारे स्वाद खत्म हो जाते हैं, सारे स्वाद खत्म। उसमें प्याज लहसुन की बदबू आ जाती है, लेकिन वो बदबू को ना हम लोग स्वाद समझ लेते हैं, हैं? और ये भी चीज है, अगर प्याज लहसुन डालोगे फिर ठाकुर को भोग नहीं लगता है, ठाकुर जी की भोग नहीं लगता है। और जो चीज ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते हैं वो चीज हमें भी ग्रहण करनी नहीं चाहिए। देखो ये गीता का श्लोक है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो लोग मेरे को भोग लगा कर खाते हैं क्या तो उसका घर का सब दुख कष्ट दूर हो जाती है। आप लोग सुदामा की भी कथा सुनोगे, सुदामा जी की। ये सुदामा दरिद्र पहले क्यों बना, पहले इतना दुख कष्ट क्यों उठाया, बाद में ये धनी क्यों बना? आप लोग देखे होंगे जब कृष्ण सुदामा गए हुए थे जंगल में, गुरु माता ने सुदामा जी को चाना दिया, तो देख सुदामा कृष्ण को दे कर खाई हो। लेकिन उसने क्या किया, बिना दिए छुपा छुपा कर खाए, इसलिए इतना दिन तक उसको गरीब भोगना पड़ा। धनी का बना जब कृष्ण के लिए 2 मुट्ठी चिड़वा लेकर गए, ठाकुर जी 2 मुट्ठी खाए तो त्रिभुवन का राज्य दे दिया ठाकुर। इसलिए शिक्षा देते हैं अगर ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओगे घर में माँ लक्ष्मी की खूब कृपा होगी, घर में खूब धन दौलत घर में आएगी, घर में खूब पैसा आएगी घर में। इसलिए घर में जरूर ठाकुर जी को भोग लगाओ। कौन कौन भोग लगाते हो घर में, हाथ उठाओ तो। कौन कौन घर में ठाकुर जी को कान्हा को कौन कौन भोग लगाते हो? हाथ कोई हाथ नहीं उठा रहे, क्या चक्कर है? हाथ उठाओ कौन कौन। हाँ इसलिए रोज रोज ठाकुर जी को, लेकिन अगर प्याज लहसुन डालोगे तो भोग नहीं लगा सकते हो। इसलिए कोशिश करना जैसे ये चीज हमारी छूट जाए और शुद्ध रूप में। और एक चीज समझो, ध्यान देकर सुना, ये हमारे बड़े गुरु जी कहते थे घर का मालिक कौन है? हम ना ठाकुर जी घर का मालिक है। बोलो, ठाकुर जी घर का मालिक है। जैसे घर का मालिक तो ठाकुर है, गुरु जी कहते थे जैसे हमारे घर में एक नौकर रहता है, ये नौकर खाना बना कर तो बढ़िया बढ़िया रोज बढ़िया खाना खाता है, लेकिन मालिक को जैसे तैसे खिला देता है, लेकिन खुद बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाता है। अगर पता चले मालिक को ये तो मेरे को जैसे तैसे खिला देता है और खुद बढ़िया बढ़िया चकाचक भोजन करता है, अगर मालिक को पता चलेगा तो फिर मालिक क्या करेगा? हम निकाल देगा ना, दंड देगा, निकाल देगा। उसी तरह घर का मालिक ठाकुर जी बांके बिहारी, हम तो उनका सेवक है, हम उनकी सेवक है। अगर थोड़ी सी ठाकुर को बताशा दे दिया, नहीं तो दूध एक गिलास रख दिया, रोज रोज शाही पनीर मटर पनीर राजमा चावल और प्याज लहसुन डाल दूध खा रहे हो, ठाकुर जी देख रहे कि नहीं? बोलो, ठाकुर जी देखते कि नहीं? ठाकुर जी देखते हैं। अगर उनको पता चलेगा तो ठाकुर जी क्या करेंगे? फिर क्या करें? ठाकुर जी हमें फिर दंड देंगे। इसलिए घर में अच्छे तरह से ठाकुर जी को बढ़िया से जो कुछ हम खाते हैं बगैर प्याज लहसुन के बना कर ठाकुर जी को भोग लगाओ, परिवार को खिलाओ। कहते ना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे अन्न खाओगे मन तुम्हारी वैसे बनेगा। कम से कम आज का दिन से ठाकुर जी को अच्छे तरह से ठाकुर जी को भोग ला कर खाया करो। इसलिए गंदी चीज को छोड़नी चाहिए, बोले चार अच्छे चीज को ग्रहण करो। बोले भैया क्या क्या ग्रहण करेंगे? हाँ देखो ठीक से सुनो, पहला नंबर हर घर में ठाकुर जी पूजा होनी चाहिए, हर घर में ठाकुर जी होनी चाहिए। किसको किसको घर में ठाकुर जी है, किसको किसको घर में ठाकुर जी, हाथ उठाओ सबके सब, है कि नहीं ठाकुर जी किसको किस घर में? हाँ देखो घर में जरूर घर में ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी ने हमें सब कुछ ठाकुर ने दिया है, सब कुछ ये ठाकुर जी का है। इसलिए भगवान कृष्ण खुद कहते हैं उद्धव जी को, हे उद्धव अगर मेरी कहीं मंदिर बनती है उसमें कोई एक ईंट, कोई एक ईंट केवल दे दे उसी के लिए मैं गोलोक वृंदावन में राजमहल बना देता हूँ। भगवान खुद कहते हैं उसके लिए मैं राजमहल बना देता हूँ। इसलिए
घर में ठाकुर जी को आप जितने सुंदर रूप में ठाकुर को सेवा पूजा करोगे, ठाकुर जी को स्नान कराओगे, रोज ठाकुर को स्नान कराओगे, ठाकुर जी को सुंदर कपड़ा पहनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, अगर घर में ठाकुर जी खुश रहे ना, देखना तुम्हारे परिवार शांति सुख भी रहेगा, घर में शांति सुख रहेगा ठाकुर जी घर में। इसलिए देखो एक कोई संत थे, ध्यान देकर सुन लो, संतों के चरित्र सुन लो, वो कैसे ठाकुर जी कैसे वो सेवा करते थे, ये अयोध्या की कथा है। एक समय कोई एक संत थे अयोध्या में, उनका एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था रामदास। गुरु जी ने कहा गुरु शिष्य को, ए बच्चो बात मत करो, इसलिए बोले देख बेटा मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, यहाँ पर राम दरबार है, कुछ दिन के लिए तुम ठाकुर का सेवा कर लोगे? बोले गुरु जी आपका आदेश होगा तो जरूर कर लूंगा। बोले देख बेटा ठाकुर को अच्छे तरह से खाना खिला। बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो, आप जाओ, चिंता नहीं मत करो। अभी उसने रोटी सब्जी बनाई और भगवान जो राम दरबार को सामने ठाकुर को सामने रखा। बोले ठाकुर जी भोग लगा, लेकिन वो कभी देखा नहीं गुरु जी भोग कैसे लगाते हैं। उसको ऐसे लगा जैसे हम जैसे खाते हैं ना, ठाकुर ऐसे खाएंगे, लेकिन ठाकुर जी खाना नहीं खाए। बोले ठाकुर जी क्या मेरे ऊपर आप नाराज हो क्या? ठाकुर जी आप गुरु जी को हाथ में तो रोज खाते थे और गुरु जी बोल करके गए अच्छे तरह से सेवा करना, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो गुरु जी हमें डांट लगाएंगे, इसलिए ठाकुर जी भोजन कर लो, तभी भगवान राम खाए नहीं रहे। बोले ठाकुर जी अगर खाना नहीं खाओगे आप लोग अयोध्या में सरयू नदी है। बोले सरयू में मैं आत्महत्या कर दूंगा। उसने आत्महत्या करने के लिए गया तो भगवान राम हिल गए, ठाकुर जी हिल गए। बोले हनुमान जी उसको पकड़ करके लाओ, और वो छलांग लगाने वाला जा रहा था, हनुमान पकड़ लिए। इतने बोले ठाकुर जी भोजन कर रहे खा रहे। बोले हाँ, आकर देखा भगवान राम मैया सीता लक्ष्मण भरत भोजन किए। फिर उसने भोजन किया, जब उसने दो चार दिन उन्होंने सेवा की ना, आप लोगों ने एक नाथ एक संत थे, उनका नाम सुने हो है? नाम देव का नाम सुने हो, सुने कि नहीं? इनका चरित्र में भी ऐसे कभी यूट्यूब में कभी निकालना, आज जाकर निकालना नाम देव, क्या नाम है उनका, यूट्यूब में खोल कर देखा ना। ये नाम देव जब छोटे बच्चे थे, इनका जीवन में भी ऐसे हुआ। इनके जीवन में जब पिताजी कहीं बाहर गए, उसने ठाकुर जी को भोग लगाया, जब भोग लगाया खाना नहीं खा रहे थे ठाकुर जी। बोले पिताजी बोल कर गए खाना नहीं खा, अच्छे तरह से सेवा करने के लिए आप भोजन कर लो। जो रोने लग गए ना, बोले तो मैं नहीं तो खाना खाऊंगा, ठाकुर जी स्वयं खाना खाने लग गए। अब आ जा करके यूट्यूब में ढूंढना क्या नाम है, नाम देव, आप स्वयं देखना और मेरे को कल आपने बताना क्या देखना। इसलिए अभी हनुमान जी पकड़ करके लाए, अभी दो तीन दिन ठाकुर को सेवा किया ना, बोले ठाकुर जी मेरे से इतना नहीं हो पाता है, अकेला भिक्षा करके लाओ, रोटी बनाओ, सूखी लकड़ी लाओ, पत्तल लाओ। भगवान बोले बताओ हम भी मदद करेंगे। बोले बताओ मुझे क्या करनी चाहिए? बोले आप तो भगवान हो, आप केवल थोड़ी सी दोना पत्ता बना देना। बोले कोई बात नहीं। लक्ष्मण बोले मुझे बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले आप थोड़ा सूखी सूखी लकड़ी जंगल से ले आओ। आप लोग रामायण देखे हो, लक्ष्मण क्या करते थे? सूखी सूखी लकड़ी लाते थे। बोले भैया मैं तो पहले ही करता था, ले आओ कोई बात नहीं। हनुमान जी बोले मुझे क्या करना? बोले सब चीज आप देखभाल कर दोगे। मैया सीता बोली बताओ मुझे क्या करना? बोलता आप घर की माँ क्या करती? रसोई बनाती। बोले आप रसोई बना देना। वो केवल भिक्षा करके लाता है, मैया बड़ी सुंदर सुंदर रसोई बनाती है। कुछ दिन बाद में गुरु जी की लेटर आया। बोले बेटा रामदास मेरे साथ में कुछ संत आ रहे हैं, एक दिन के लिए तुम व्यवस्था कर देना, मैं आ करके देख लूंगा। उसने माँ सीता को पत्र दिखाया। बोले माता जी ये गुरु जी की पत्र आया है, गुरु जी अमुक तारीख को आ रहे हैं, कुछ संत आ रहे हैं। बोले एक दिन के लिए व्यवस्था करो, फिर मैं देख लूंगा। बोले बेटा कोई चिंता मत करो, तुम थोड़ा ज्यादा भिक्षा करके ले आना, मैं बना दूंगी। तो उन्होंने गुरु जी को पत्र दिया। बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो, मैया सीता सुंदर सुंदर रोज रोज छापन भोग छत्री से व्यंजन बनाते हैं, भैया लक्ष्मण सुखी सकी लकड़ी ले आते हैं, और हनुमान भैया सारे काम देख लेते हैं, और प्रभु राम को सुंदर दोना पत्ते बना देते, कोई चिंता मत करो मैया। बोली जितने संत आए ले आओ। गुरु जी पत्र पढ़ करके बोली पागल क्या कह रहा है, मैया सीता रसोई बनाती है, राम पतला बनाते, उनको तो पता नहीं ना क्या हो रहा है। अभी गुरु जी बड़े चिंता करके आए, पता नहीं बेटा क्या गया होगा। उन्होंने जब आए ना, देखा इतने सारे खाना बनाई हुई,
इतने खाना सापन भोग 36 व्यंजन ने माँ सीता ने बना करके रखी और देखा भैया इतने कैसे खाना बनी। देखा माँ सीता कुंड में बैठी हुई और सचमुच से मैया सीता रोसी बना रही है और गुरु जी को देख करके उन्होंने थोड़ी सी मीठी मीठी मुस्कुराई और माता सीता अंदर ध्यान हो गई। बोले बेटा ये कैसे कैसे हुआ? तो चेले ने सारी बात बताई। गुरुदेव पहले तो खाना नहीं खा रहे थे, मैंने कहा मैं आत्महत्या कर दूं, फिर तो सबके सब होने लग गया, रोज रोज ऐसे भैया खाना बनाती हैं। गुरुदेव तो बोले भैया तेरे जैसे शिष्य पा करके मैंने जीवन धन्य हो गया है, तेरे जैसे शिष्य पा करके देखो ठाकुर जी सब कुछ करते हैं। इसलिए कहते ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबर के जैसे तुम, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपिया जैसे तुम, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तुम सुला। ठाकुर जी को आप सेवा करोगे ना आप स्वयं देखोगे। एक माता जी हमारी वृंदावन में आती थी, हम सोच नहीं सकते उसकी जो भावना को देखोगे। बोले जब उनको उनको जुगल सरकार थी, दिन में एक एक लाख हरिनाम करती थी, वो कहती थी बोले बाबा जब मैं ठाकुर को कपड़ा पहनाती हूँ तो बहुत सारी कपड़ा उसके पास में जिसकी इच्छा नहीं हुई पहने के ना, पहनने के बाद अपने आप निकल जाएगी, वो समझ जाएगी ठाकुर ये कपड़े पहनने को पसंद नहीं कर रहे। इसलिए तीन चार कपड़ा पहनाने के बाद उनको जो कपड़ा अच्छा लगता तो अपने आप शरीर में रहता था, नहीं तो अपने आप निकल जाती थी। और कभी कभी ये मुंह बना देते थे, कोई अगर भोजन खिलाए ना वो मुंह बना देते थे, बोले तुमने क्या बनाया, फिर मैंने दूसरी चीज बनाकर खिलाती थी। अगर आप सचमुच से ठाकुर को सेवा करोगे, सही सही सेवा करना, देखना ठाकुर तुमसे बात करेंगे। कभी कभी कहते मेरे को ठाकुर स्वप्न देते थे, बोले ये ठंडी का समय आ गया, तुमने मेरे को बाजरा का रोटी और तुमने साग नहीं खिला मेरे को, स्वप्न आती है मेरे को। देखो माता जी शरीर कैसे छोड़ी, एक एक लाख हरिनाम करती थी तो शरीर कैसे छोड़ी। एकादशी का दिन कार्तिक के महीना में थोड़ी देरी पहले भी वृंदावन में रहता था, मेरे को फोन की, बोले बाबा उसका तीन चार बच्चे थे उनको थोड़ी थोड़ी पैसा देते थे, लेकिन वो खुद अच्छी नहीं खाती थी नहीं पहनती थी, सारे पैसा को जमा करती थी, वृंदावन में आकर के महीना में एक भंडारा देती थी सारे संतों को और अपना हाथों से कढ़ी बनाया करती, अच्छी कढ़ी बनाती थी। वो उसी दिन उसने मेरे को फोन की, मैं पैसा भेज रहा हूँ बाबा संतों को भंडारा करा देना, लेकिन थोड़ी देर बाद में शरीर छोड़ी। मेरे को थोड़ी देर बाद में खबर आई, उन्होंने शरीर छोड़ दी। मैंने कहा तो थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, बोले घर में भी बात करते करते शरीर छोड़ दी। अगर भगवान की सेवा भक्ति पूजा करोगे ना आप देखोगे तुम्हारी जीवन बढ़िया बीतेगी, जीवन सुख से बीतेगी। अगर भगवान की सेवा पूजा भक्ति नहीं करोगे ना जिंदगी भर परेशानी परेशानी होकर जीवन जाएगी। इसलिए भागवत कहता है तब भी हमारी जीवन अच्छी तरह से बीतेगी जब ठाकुर जी की भक्ति करते करते भजन करते करते आप ठाकुर जी को करोगे, फिर तो जीवन तुम्हारी बढ़िया बीतेगी। ठीक है, क्या करना, घर में जरूर घर में लड्डू गोपाल हो राधा कृष्ण हो जरूर घर में रखना और ठाकुर जी को सेवा पूजा रोज करनी चाहिए। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलो, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। हेलो, हाँ देखो केवल और एक चीज लेना, बोले क्या लेना है, ठाकुर जी की नाम जप करना। क्या करना, कल मैंने चार ही गोहों की कथा सुनाई थी ना, किसको याद है चार ही गोहों की कथा, कौन बोलेगा हाथ उठा जोर से, हाथ उठा किसको किसके, अरे इतनी मैं इतने इतने कम लोगों को याद है, और एक बार बाकी किसको याद है तो सुना सकती हो। हाँ देखो कल मैंने एक छोटी स्टोरी सुनाई थी कि कौन कौन सुनाए, ठीक ठीक सुना सकती हो, सुना बच्चे को दो बेटा। हेलो बोलो, उधर मुंह घुमा, उधर मुंह घुमा, उधर उधर घुमा। एक राजा था उसकी चार बहू थी, सबसे बड़ी थी जो सबसे सबसे पहली थी वो माइक पे जरा हां बोलो। राजा जी सबसे प्यार करते थे और जो वो कहती थी वो उसको सब कुछ कराते थे, जैसे ब्यूटी पार्लर जाना वो कुछ ले जाते थे और जैसे गोलगप्पे खाने हैं वो उसे ले जाते थे, हर जगह ले जाते, हर चीज उसकी जो मन पसंद थी वो सब कुछ कराते थे।
और जो दूसरी वाली थी वो बहुत गोरी थी, तो वो उसे हर जगह ले जाते थे, हर राजा जैसे कहीं से किसी की भी आओ रहा उधर ले जाते थे। और जो तीसरी वाली थी वो बहुत मीठा मीठा बोलती थी, तो उसे जहाँ भी कहीं पंचायत हो रही हो तो वहाँ ले जाते थे ताकि वो मीठा मीठा बोल सके। और जो सबसे लास्ट वाली थी तो उसे कुछ भी नहीं बोलते थे, कि उसे कुछ भी नहीं, उसका हाल तक नहीं पूछते थे और ना उसके श्रृंगार का समय पूछते थे। तो एक दिन राजा के अंतिम संस्कार हो रहा था, अंतिम समय आया तो राजा जी ने चारों बहू से पूछा, सबसे वाले पहलू से पूछा कि जो तुम कहती थी वो मैं करता था, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो रानी कहती कि नहीं मैं नहीं चल पाऊंगी, कि मैं नहीं चल पाऊंगी। तो दूसरी वाली कहती थी कि राजा ने कहा दूसरी वाली से कि मैं तुम्हें हर जगह ले जाता था, पूरे देश में घुमाता था, तुम मेरे साथ चलोगी? कि उसने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं चल पाऊंगी। तो तीसरी वाली से पूछा कि मैं तुम्हें हर जगह ले जा, हर चीज जहाँ कुछ होता था वहाँ और बैठाता था, तुम मेरे साथ चलोगी? उसने थोड़ा सा प्रसाद किया कि मैं तुम्हें दो चार कदम चलूंगी, बाहर तक चलूंगी बस। तो जब लास्ट वाली तक पहुंचा तो उसने कहा हाँ राजा जी मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपके साथ हर जगह चलूंगी। तो उसने फिर अपने परिवार वाले से पूछा, बस उसने परिवार वाले ने कहा कि हम तुम्हें तुम्हारे अंतिम संस्कार तक जाएंगे और टाटा बाय बाय बोल के वापस आ जाएंगे। देखो बच्चे ने कोशिश की सुनाने के लिए, देखो जो पहला रानी कौन थी, राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था वो कौन है, ये हमारी शरीर है जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, जो खिलाते पिलाते उसको अच्छे तरह से रखते हैं, ये सबसे पहले पत्नी शरीर है। उसे जो पूछा साथ में चलोगी, बोले भैया एक कदम भी तेरे साथ में नहीं चलूंगी, मतलब जब ये शरीर ही छूटेगी ये शरीर यही कहीं रह जाएगी। दूसरी रानी जो थी सबसे सुंदरी, कहते सबसे सुंदरी को पूछा तुम चलोगी, बोले मैं चलूंगी क्या, मैं तो देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। कहते ये कौन है सबसे सुंदरी, कहते बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये पैसा सबसे सुंदर, क्योंकि पैसा के बगैर कुछ नहीं होता है, पैसा रहेगा तो बढ़िया घूमेंगे खिलाएंगे पाएंगे, इसलिए पैसा के बोले तू क्या करोगे, बोले तुम शरीर हाँ शरीर छूटते ही मैं दूसरों को साथ में शादी कर लूंगी, बोले दूसरों के नाम पर वो ट्रांसफर हो जाएगी। तीसरी जो थी जिसकी मीठी मीठी बोली सुनता था, जिसकी मीठी मीठी बोली सुनता था, कहते वो कौन, बोले पत्नी, पत्नी से बोले साथ में चलोगी, बोले हाँ चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चल सकती, बोले आगे बोले ज्यादा बोलोगे तो चार कदम तो बढ़ूंगी लेकिन तेरे साथ में नहीं चल सकती। और जब उन्होंने चौथी रानी को पूछा, राजा जिसको कभी भी एक बार उसको तरफ में झांक करके नहीं देखा, कभी उसको अच्छा बुरा कभी उसको पूछा ही नहीं, तेरे पास में सारी साबुन तेल है कि नहीं, लेकिन जब राजा उससे पूछा तो बोले लास्ट में वही जाने के लिए तैयारी हुई। कहती वो कौन है, कौन है, ये भगवान की भक्ति, भगवान का नाम। अगर किसको बोले भैया थोड़ी सी भगवान का नाम जप करो भजन करो, बोले जिसका पास में कोई काम धाम नहीं वही सब माला लेकर हरे कृष्ण करते हैं, हमारे पास में तो बहुत सारी काम है, हैं हमारे पास में बहुत सारी काम है, लेकिन चौथी रानी को तो हम पूछते नहीं, लेकिन अंतिम समय में फिर हमारे साथ में कौन चलेगी, केवल ये चौथी नंबर रानी जो भगवान की भक्ति है, केवल यही भक्ति चलेगी और ये ठाकुर जी की नाम ही हमारे साथ में चलने वाले, इसलिए हमें कौन सा रानी को आदर करनी चाहिए, चौथी रानी। चौथी रानी कौन, ठाकुर जी की भक्ति और ठाकुर जी का नाम है, यही भागवत का सार है, हैं भागवत का सार यही है। आप लोग मेरे पीछे पीछे एक श्लोक को बोलो, क्योंकि भागवत जब शुरुआत हुई वो ठाकुर जी का नाम से शुरुआत हुई, और जब भागवत समाप्त तो हो गई ठाकुर जी का नाम से ही समाप्त हुई। आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलो, ये श्लोक बोलने से पूरी भागवत कथा सुनने का फल मिल जाती है, क्योंकि ये भागवत का ये अंतिम श्लोक है। मेरे साथ में बोलो, बोले नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम
स्तम नमामि हरि परम। ये भागवत का अंतिम श्लोक है। इसका मतलब है भगवान के नाम संकीर्तन से हमारी कल्याण होगी, इसको द्वारा ही संसार बंधन से हमें मुक्ति मिलेगी। इसलिए भागवत का सार है ठाकुर जी की, नाम ही भागवत का सार। अगर आप लोगों ने 7 दिन पर कथा सुनी, अगर कथा से भगवान का नाम को अगर ग्रहण किया है, अगर प्रभु का नाम जब किया, तो समझो ये कथा सुनने का सार्थकता हो गया। अगर 7 दिन तक बैठे लेकिन भगवान की नाम ही में रुचि नहीं हुई, समझो आए और गए हैं, फल आए और गए हो। आपका हाथ में कुछ तक फल मिलेगा लेकिन भागवत का पूरे फल आपको नहीं मिलेगी। क्यों? भागवत जो बोलता है उसका अपना जीवन में तुमने नहीं उतारे। इसलिए क्या करनी चाहिए? अपना जीवन में उसको उतारनी चाहिए। इसलिए जिनकी इच्छा होगी हम भी भगवान की माला जप करेंगे। कथा जब विश्राम हो जाएगी ना, अब आओगे तो आपको एक एक माला दे दूंगा। ये माला को लेकर के जाना और भगवान की नाम जप करना। अभी कृष्ण रुक्मणी आएंगे, ले आओ तो विशाखा दीदी, विशाखा दीदी जब कृष्ण रुक्मणी को ले आओ। हाँ देखो, कल है यहाँ पर भंडारा है, कल यहाँ पर भंडारा है, इसलिए आप सबको निमंत्रण का है। आप लोग सबके सब सब परिवार में यहाँ पर सबके सब ठाकुर जी की प्रसाद पाने के लिए जरूर आना। यहाँ पर सवेरे 9 बजे यज्ञ, कितने बजे? 9 बजे यज्ञ। जो यज्ञ है वो साधारण यज्ञ नहीं है। भागवत में जितने साधु संतों का नाम को देकर को वो यज्ञ होगी, वो यज्ञ में नरसिंह भगवान का मंत्र है। नरसिंह भगवान जैसे प्रहलाद के ऊपर में बड़ी बड़ी विपत्ति आई, लेकिन नरसिंह भगवान की कृपा से सारे बाधा विघ्न दूर हो गई। और उसमें सुदर्शन चक्र है, उसमें सुदर्शन चक्र का भी मंत्र है। जैसे किसको पर उल्टा पुलटा ग्रह है, जैसे काल सर्प जोग है, उल्टा पुलटा गंदी गंदी चीज, उसमें अगर आहुति डालोगे तुम्हारी सब दुख दूर हो जाएगी। इसलिए आप लोग घर से जब आओगे थोड़ी थोड़ी कोई हवन सामग्री और अगर गोला हो नहीं तो थोड़ी सी घी हो अपना घर से लेकर के आना, और आप लोग उसमें आहुति जरूर देना। हाँ देखो, देखो ये जो श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक हुई है, हमारी श्री विनोद जी और उनकी धर्म पत्नी ये कविता दीदी ने है, इन लोगों ने तन मन और धन हर तरह से इन्होंने कोशिश की ये श्रीमद् भागवत कथा को रखाने के लिए। देखो कितना सुंदर पैंडल बनाई, माइक की व्यवस्था की, हर तरह से। हम लोग को तो घर में बड़े प्रेम से भोजन करवाया, इनकी पत्नी पति दोनों, पूरा इनकी जो बच्चे हैं ये सब जैसे भक्ति करते हैं। बड़े प्रेम से उन्होंने हम लोगों को भोजन कराया, प्रेम से अपना बच्चे जैसे घर में रखे। ये भागवत कथा की बड़ी महत्व है। इसलिए कहते तराजू का एक तरफ में पृथ्वी का जितने सारे सत्कर्म को तराजू का एक तरफ में रख दो, केवल भागवत कथा को तराजू का दूसरे तरफ में रखो, कहते भागवत का पल्ला भारी पड़ेगा। इसलिए धुंधुकारी प्रेत जन्म जब उसको मिली, बोले मेरे नाम पर 100 बार भी गया मैं पिंडा दो, मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जब भागवत केवल कथा सुनाए तभी उनको उधार हुई, उसको पहले उनको उधार नहीं हुई। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कहीं अगर भागवत कथा हो रही है, अगर इतनी सी बात कोई बोल दे ना भागवत कथा अच्छी अच्छी बात है, इतना बोलने पर सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं। बड़ी महिमा ये भागवत कथा की, इसकी जैसे महिमा भागवत की दुनिया में नहीं। इसलिए ये दोनों पति पत्नी कहा जा रहे हैं विनोद, इसलिए दोनों पति पत्नी ने हर तरह से इन्होंने ये भागवत की सेवा की। आप इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। इसलिए मैं ठाकुर जी को प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी ये दोनों को आशीर्वाद दे, ये दोनों खूब फलते फूलते रहे और भगवान की भक्ति करे, भजन करे, इनके परिवार भी सुख शांति में रहे। क्यों? भागवत भगवान बांके बिहारी इनके ऊपर कृपा करेगी। और ये कथा में जो विशाखा दीदी, हाँ ये जो विशाखा दीदी यहाँ पर जो ये भक्ति की गंगा की जो धारा आई है, हाँ? आप उसको नाम को पढ़ देना बाकी। इसलिए जो भक्ति गंगा की जो धारा यहाँ पर प्रवाहित तो होकर के आई, कहते ये किसकी कृपा से? श्री विशाखा दीदी की कृपा से ही यहाँ पर आई। इसलिए कि बहुत कोशिश करते, देखो उनकी 2 बच्चे भी है, उनकी सास ससुर पति सबको सेवा करते, ऐसे नहीं।
उन घर में जाकर पूछो, सब टाइम पर भोजन देना, सबकी सेवा करना, सबकी ध्यान करना, बच्चों को पढ़ाना, सब कुछ करते हुए भी तब भी ये समय को निकालती है। समय को निकाल क्या करती है, वो क्लास देती है, सबको वो क्लास देती है और कोशिश करती है सब जैसे प्रभु की भक्ति करे, भजन करे, घर में इनकी शांति सुख आए। इतने परिश्रम सोच नहीं सकते, इतने परिश्रम कि तभी तो इतने लोग परिवर्तन हुए ना। इसलिए आप लोग इसके लिए भी जोरदार ताली बजाओ, ठाकुर जी इनको, इनको परिवार को है, इनको परिवार को भी शांति दे। ऐसे मनोज एवं कमल, तुम्हारे भैया है ना, इनकी जो बड़े भाई ना, हाँ इनका बड़े भाई भी कमल दीदी कहाँ है, यहाँ पर है कमल, हाँ यहाँ पर कमल दीदी और मनोज कहाँ है, है मनोज भैया काम में गए, हाँ कहते इनका ये भाभी, क्या लगते भाभी रखते हैं, भाभी और इनके बड़े भाई, ये लोग भी बड़े धूमधाम से इनको साथ में मिल करके कंधे में कंधे लगा करके इन्होंने सब काम को किया। ठाकुर जी इनको भी भक्ति शांति सुख दे, ये दोनों भी भजन करते हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। कहते गौरव एवं रचना, कौन गौरव रचना, हाँ इनका जो छोटे भाई, ये भी बहुत मदद किया, संजय एवं रूबी, यहाँ पर रूबी देवी बैठी है और इनका जो प्रभु संजय प्रभु जी, ये लोग हमको घर में ले जाना, यहाँ पर आकर के हमारे लिए प्रसाद करना। पहले इनकी घर में भी कथा हुई थी, इनके घर में भी इन्होंने अपना घर में कथा करवाया था। अब इन सबके लिए जोरदार ताली बजाओ, ठाकुर सबको शांति सुख दे। प्रीति कौन है, हाँ ये प्रीति है, हाँ ये तो बढ़िया बढ़िया रोज रोज प्रसाद बना कर लाती थी, हम लोग को प्रसाद खिलाती थी, और कोमल और विशाखा, इसलिए हाँ देखो ये कथा में सबसे ज्यादा, ये कथा में सबसे ज्यादा भागीदार कौन, जो आप लोग कथा सुन रहे। देखो अगर श्री सुखदेव गोस्वामी आते, अगर परीक्षित नहीं होता है ना, फिर कथा हो सकता था, नहीं हो सकता था। जैसे पैंडल बना दिया, बढ़िया से पैंडल बनाया, सब कुछ व्यवस्था की, अगर आप लोग कथा सुनने नहीं आते, अगर आप लोग मेरे तरफ में देखो, अगर आप लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते, फिर ये कथा हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। इसलिए आप लोग सबके सब परीक्षित है, घर में हर तरह का व्यवस्था रहते हुए भी आप लोग सारे काम को छोड़ कर जो कथा सुनने के लिए आए, ये कथा में सबसे ज्यादा पुण्य आप लोगों को मिलेगी। इसलिए आप लोगों के लिए जोर से ताली बजाओ, और जोर से, इसलिए हमारी इसी कथा में है कुछ कुछ भक्तों लोगों ने हम लोग को अपना घर में ले गए, निमंत्रण देकर ले गए। यहाँ पर एक उड़ीसा माता जी बैठी हुई है, क्या नाम तुम्हारी, कल्याणी दीदी, इन्होंने अपना सोसाइटी में एक बार उन्होंने कथा कर चुकी, पास में इनकी सोसाइटी, इन्होंने भी यहाँ पर कथा की है। इसलिए ठाकुर जी इनको भी शांति सुख दे, और जितने श्रोता आप कथा सुनने के लिए आए, ठाकुर जी आप सबको कल्याण करें, सबको शांति सुख दे। आप लोग खूब फलते फूलते रहो, है खूब फलते फूलते रहो, घर में आपकी शांति सुख आए। और इनकी कथा में हमारे जो माइक वाले भैया, क्या नाम है, शशि कुमार किसका, कुमार से, हाँ। और इनका बेटा बहुत अच्छे मायकी, इन्होंने मायकी अच्छी व्यवस्था की, अब इनके लिए भी ताली बजाओ। और यहाँ पर हमारे क्यासियो में जो श्याम प्रभु जी, श्रीधाम प्रभु जी ढोलक में, श्रीकांत प्रभु पेड़ में, ये लोग भी मेरे साथ में हर समय रहते हैं, सुख दुख हर समय में ये लोग हमारे साथ देते हैं। जिनके अंगूर पर आप लोगों ने सबका सब नृत्य किया है। और इसी कथा में अभी कुछ इधर सुना, अभी मेरे को कुछ देना पड़ेगा ना, मेरे को क्या दोगे, मेरे को सबके सब आशीर्वाद दो, क्या दोगे मेरे को आशीर्वाद दो, जैसे मैं आप लोगों का सेवा कर सकूं, हाँ साधु संतों की सेवा कर सकूं, आप लोगों का सेवा कर सकूं, आप लोग मेरे को भी आशीर्वाद देना जैसे मेरे को भक्ति हो, ठीक है। अभी कृष्ण रुक्मिणी आइए, और हमारे देखो यहाँ पर खड़े हैं श्री चिराग प्रभु जी, हाँ चिराग प्रभु जी, चैतन्य चंद्र प्रभु जी, कितने सुंदर कथा हम लोगों को सुनाए हैं। और इन्होंने जो कृष्ण को जो सजाया था ना, कृष्ण को इतने सुंदर, इन्होंने ही कृष्ण को सजाए, अभी सुदामा को भी इन्होंने सजवाया हैं, इन्होंने सुदामा को भी सजवाया, कृष्ण रुक्मिणी को ले आओ, कहाँ कृष्ण रुक्मिणी, ओ बाबा जी चिराग, हाँ इनको ना, हाँ बोलो, हाँ अभी जो है यहाँ पर हम लोग विवाह उत्सव मनाएंगे। और देखिए कथा का नियम होता है
चाहे आपने एक घंटे कथा सुनी, चाहे सात दिन कथा सुनी, या दो घंटे दो प्रवचन सुनी, आप लोग सभी परिचित हैं। जिस समय सुखदेव जी ने कथा को विश्राम दिया, भागवत की कथा कभी खत्म नहीं होती है। हम लोग बोलते कथा शुरू हो गई, कथा खत्म हो गई, कथा कभी खत्म नहीं होती है। भगवान कथाओं को केवल विराम दिया जाता है। तो आप लोग जो है विवाह का आनंद भी लेंगे, और आकर के यहाँ पर हमारे जो गुरु जी सुखदेव स्वरूप यहाँ पर व्यास मंच पर बैठे हैं, तो आप लोग सभी परिचित हैं। आकर के गुरु जी महाराज का सभी पूजन करेंगे, अपना जो भी दक्षिणा स्वरूप पत्र पुष्प जो भी आप अपना अर्पण करना चाहते हैं वो अर्पण करेंगे। तो पहले विवाह का कार्यक्रम करवा देते हैं, फिर आप लोग व्यास पूजन करना। कृष्ण रुक्मिणी दोनों हाथों में माला दो, कृष्ण रुक्मिणी कौन है? सुदामा मित्र भगवान सुदामा आए। कृष्ण रुक्मिणी कौन है? सामने साइड जा। हाँ रुक्मिणी कृष्ण को माला पहना, रुक्मिणी को माला पहना, सबसे ताली बजा। श्री रुक्मिणी रमण भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राम। जो भजनकार है और जिनको व्यास पूजन करना है, मैं विरोध हमारे जो विरोध प्रभु हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा, आप अपनी परिवार सहपति के साथ में आकर के महाराज श्री का भागवत जी का पूजन करेंगे। जो भी भागवत जी का पूजन करना चाहते हैं, महाराज श्री का पूजन करना चाहते हैं, वो आते रहेंगे। ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुलहन बना 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 दो। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर
Oh, my God.
I'm gonna go to the hospital.
Thank you.
तुम्हें मारूंग पीछे की जाया जी मुझे हो विनोद एवं कविता दीदी की मनज और कमला दीदी।